ये कोई फॉर्मल वॉर्मल भी नहीं है कि कोई स्टार्ट होगी नमस्ते नमस्ते, है ना, ऐसा कुछ नहीं। तो आप बताइए क्या चल रहा है, पहले बताइए अपनी ज़िंदगी में आजकल अभी क्या काम कर रहे हो। आजकल यार मैं देखो इतने महीने से इसी घर में फंसा हुआ था, 4 महीने से। और 4 महीने से मतलब मार्च से, 21 मार्च को मैं यहाँ लौटा हूँ। जी 22 मार्च को वो हो गया, कोरोना नहीं ये क्या लॉकडाउन। वो हुआ था ना जनता कर्फ्यू, हाँ तो उसके एक दिन पहले से मैं फंसा हुआ हूँ। मैंने यहाँ पे कपड़े धोए हैं, झाड़ू पोंछा बर्तन सब, क्योंकि सारे लोग लॉकडाउन में, पूरी फैमिली अलग अलग फंसी हुई है अभी भी। लेकिन अभी फिलहाल 1 महीने से मेरा काम फिर से शुरू शुरू हुआ हुआ। है विद द न्यू नॉर्मल। तो एक फिल्म, एक Z5 की अभी कंप्लीट की, जी और मेरी 2 सीरीज आने वाली हैं, मिर्ज़ापुर 2, और एक सीरीज और है वूट के लिए, ट्रैक अच्छा डाउन, अच्छा उसकी डबिंग का काम किया। तो तो ये जो पिछले आपके पास शोज आते हैं, ठीक है, जो भी आ रहे हैं, ये आप स्क्रिप्ट देख के चूज करते हो, आप कहते हो अरे यार बढ़िया जो OTT में आ रहा है दे दो, क्योंकि OTT का काम बढ़िया ही होता है। नहीं ऐसा नहीं है, मतलब होपफुली अभी तक तो, मतलब थैंकफुली अभी तक तो है ना OTT का काम अच्छा हो रहा है। लेकिन मुझे डर लगता है कि यार ये OTT भी कहीं टेलीविजन की राह में ना निकल जाए, ये डर है। तो स्क्रिप्ट तो देखते हैं यार, स्क्रिप्ट तो देखनी पड़ती है ना तो कि मिर्जापुर की एक्चुअली आपने स्क्रिप्ट देखी थी, कैसा फील हुआ था आपको? मुझे बहुत मस्त फील हुआ था, क्योंकि उसका एक्चुअली सीन पढ़ते ही आपको लगता है ना कि मज़ा आता है कि यार ये कुछ अलग ही दुनिया है। ये डायलॉग्स, एक एक लाइन बोलने में मज़ा आ रहा था, कई बार पढ़ने में मज़ा आता है ना। तो मिर्ज़ापुर में तो वो देखते ही समझ में आ गया था कि यार ये कुछ बवाल होने वाला है, क्योंकि उसमें मतलब एक गालियाँ थी, लेकिन गालियाँ यूँ नहीं थी कि ज़बरदस्ती दी जा रही है, मतलब लोग कह सकते हैं कि ज़बरदस्ती थी, लेकिन वो एक गालियों का तेवर था यार, वो दुनिया ही गालियों की है। वही वो दिखा रहे वो हैं एक आपको। न्यू काइंड ऑफ रियलिज्म है वो, विच इज़ नॉट, विच माइट नॉट बी रियल, बट इट इज, मतलब यू कैन कॉल इट अ फैंटास्टिक रियलिज्म, बिकॉज समथिंग। रियल है भी ना, मतलब उस हाइपर सेंस में रियल नहीं है कि इतना ऐसा ही हो रहा है, बट देर टेकिंग यू नो सम सॉर्ट ऑफ रियलिज्म ऑफ दैट लोकल रियलिटी, जो हमारे इंडिया में अगर आप चले जाओ, है ना, हाँ, इंटीरियर रूरल में। रूरल में हाँ कितने, कहाँ किसको कौन गोली मार देता पता नहीं चलता यार। वही हमारे जो रिश्तेदार गांव में रहते हैं वो लोग मतलब बताते हैं कि मर्डर हो गया नॉर्मल बात है। तो हम यहाँ पे सोच रहे हैं यार कानून व्यवस्था वगैरह, गांव में पता नहीं, अभी तक भी मुझे नहीं लगता कि कानून व्यवस्था है या फिर उस लेवल पे है, उस लेवल पे, नहीं है, दबंग ही ज्यादा है। दबंगई ही है, बिल्कुल है। और वो कुछ इलाके हैं जो ये जो पूर्वांचल का इलाका है जी। वो है, या हमारे बाकी जगह भी ऐसे है इलाके। तो उस हिसाब से तो आपको, जैसे आप काम कर रहे हो ऐसे इसमें मिर्जापुर में, ये शूट पहले हो गया था इसके, कोरोना हाँ, वायरस मतलब से पहले सेकंड सीजन शूट हो चुका था सेकंड इसका। सीजन पूरा हो गया था, चलो तो अच्छी उसका बात है। जो पोस्ट का काम बचा था, जी। तो पोस्ट में एडिटिंग, डबिंग, म्यूजिक और जो भी काम होते हैं, जी तो हम लोगों का काम तो खाली डबिंग का बचा था। जी वो हो गया तो मुझे, मतलब मैंने दिल्ली में ही की डबिंग, तो आजकल ऑनलाइन डबिंग हो जाती है कि ऑनलाइन आप रह सकते हो और डायरेक्टर कैन, मतलब लिसन टू द टेक्स यू आर गिविंग और फाइनलाइज कर सकते हैं। तो दिल्ली में रहते रहते ही डबिंग की है सारी जी। तो पहले अभी आप जा। थोड़ा सा अपनी फिल्मोग्राफी भी बताओ यार के स्टार्टिंग से, मतलब जब नेशनल मैंने स्कूल ऑफ ड्रामा बिल्कुल से। शुरू किया था, मैं हाँ तो NSD में 90 से 93 किया, जी और फिर NSD से निकलती मुझे पहला काम मिला, वो इंडिया का पहला डेली सोप था शांति, जी सुना जो है। हाँ, तो मतलब आई थिंक यू यू मस्ट बी वेरी यंग एट दैट टाइम। लेकिन तो वो शांति था मेरा पहला जी काम, जिसका कुछ 780 एपिसोड थे, उसमें बाप 300-400 एपिसोड मैंने किए होंगे। जी। और उसके बाद मुझे पहली फिल्म मिली 1084 की माँ, एक गोविंद निलानी एक बहुत बड़ा डायरेक्टर हैं, उनकी फिल्म थी वो, क्या कहते हैं, जया बच्चन का कमबैक था, वो वापस आई थी, और उसमें नंदिता दास थी, अनुपम खेर थे, जॉय सिंह गुप्ता थे, तो उस फिल्म, सीमा विश्वास थी, जी मैं 26 साल का था तब, और उस फिल्म में मैंने 65 साल के बूढ़े का रोल किया था। तो पहली फिल्म में मैंने 65 साल के बूढ़े का रोल किया। अच्छा क्यों? अब उन्होंने मुझे यही कास्ट किया, पहले किसी और रोल के लिए किया था, बाद में उन्होंने कहा कि दिस इज अ बेटर रोल एंड आई थिंक यू शुड ट्राई, तो मुझे लगा कि कर लेता हूँ यार। उनको मैंने बोला भी, उन्होंने कहा नहीं, अनुपम खेर ने भी तो पहली फिल्म में करी थी। सारांश किया था, तो इफ़ यू आर अ गुड एक्टर तो नहीं फर्क पड़ता, तो मैंने वो किया। अच्छा तो नहीं। पहली फिल्म वो थी और पहला हाँ सीरियल वो था। उसके बाद कुछ फिल्में, गोविंद जी के साथ ही 3 फिल्में की मैंने,
उनकी जो उनके उसके बाद एक तक्षक फिल्म बनाई थी मैं कुछ अजय देवगन के साथ, जिसमें वो उसका जो गाना बड़ा फेमस है, मुझे रंग दे रंग दे रंग दे, अब नॉट फेमस एनी मोर बट एनी वे। तो फिर उनकी एक फिल्म थी अमिताभ बच्चन, ओमपुरी, फरदीन, रीना कपूर थे, वो फिल्म थी देव, उसमें किया उनके साथ तीन फिल्में की, बीच में और फिल्में की, हंसल मेहता जी की पहली फिल्म थी जयते, उसके अलावा मंगल पांडे में एक छोटा सा कैरेक्टर किया था मैंने, इस तरह की कुछ फिल्में करता रहा। फिर मैं दिल्ली आ गया था क्योंकि मुझे मज़ा नहीं आ रहा था और कोई ग्रेट काम मिल नहीं रहा था और मैं परेशान हो गया, सीरियल में करना नहीं चाहता था और फिल्मों में मुझे कोई बहुत बड़ा रोल मिल नहीं रहा था। तो तीन चार सीन टाइप का तो मुझे मज़ा नहीं आ रहा। दिल्ली आ गया, वापस आके यहाँ पे दोबारा थिएटर शुरू किया और फिर पढ़ाना शुरू किया एनएसडी में। अच्छा, उसके बाद फिर से मैंने काफ़ी गैप लिया और फिर मेरे 2012 से मेरा फिर से शुरू हुआ काम। एक फिल्म थी सिद्धार्थ जो अमेजोन प्राइम पे ही है, उसमें मैंने मुझे लीड रोल मिला और उसके डायलॉग्स भी गौतम बुद्ध पे थी क्या? नहीं, अच्छा। वो एक दिल्ली के एक गरीब व्यक्ति की कहानी है जिसका बेटा खो गया है और उसको ढूंढ रहा है। तो पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड बिगेस्ट फेस्टिवल्स में गई सब जगह, मुझे भी दो एक फेस्टिवल में, एक अमेरिका में एक फेस्टिवल में बेस्ट एक्टर अवार्ड मिला और एक कैनेडा में मिला जी जी जी। और फिर कैनेडा का स्क्रीन अवार्ड, कैनेडियन स्क्रीन अवार्ड में नॉमिनेशन मिला बड़े बड़े एक्टर्स के उस मूवी के लिए, जैक जिलेन हॉल, डेनियल रेडक्लिफ, ऐसे बड़े बड़े एक्टर्स के साथ मैं बेस्ट एक्टर इन अ लीडिंग रोल मिला मुझे। तो वो उस दौरान मेरे को काफ़ी घूमने को भी मिला अलग अलग फेस्टिवल, वेनिस फिल्म फेस्टिवल, बीजिंग फिल्म फेस्टिवल, टोरंटो टिफ में, तो वो मेरे लिए एक नया एक्सपोजर बना और लोगों को भी, वो आम जनता को नहीं पहुंची वो फिल्म लेकिन मेकर्स तक पहुंची वो फिल्म जिसने मुझे और काम दिलाना शुरू किया। तो उसके बाद फिर मैंने कबीर खान की फैंटम की, कबीर खान फैंटम फिल्म आई थी एक, सैफ अली खान और कैटरीना कैफ थे। देखता ही नहीं हूँ मैं, नाम देखता हूँ मैं, सैफ अली खान, बस बंद करो। वो ठीक है लेकिन मतलब जनता ने देखी, जनता ने देखी, तुमने नहीं देखी कोई बात नहीं, लेकिन मैं तुम्हारा सारा चीजें देखता हूँ। थैंक यू, है ना, मैं भी फिल्में वैसे कम ही देखता हूँ। तो ये बायोग्राफी क्या बताना यार, मेरा आईएमडीबी लिंक पे देख लेना। दो चीजों पे आ रहा हूँ, जैसे एक हो गया आपने, चलो आपको एक्सपोजर मिला, ठीक है, आप गए बीजिंग फिल्म फेस्टिवल, वेनिस फिल्म फेस्टिवल, ये सब आपने इंटरनेशनल मूवियां भी देखी होंगी, तो ये आपका पहला एक्सपोजर था वर्ल्ड इंटरनेशनल सिनेमा में, या फिर आप पहले से ही कुछ लोग होते हैं जो एक, नहीं इंटरनेशनल सिनेमा से मेरा एक्सपोजर था क्योंकि मैंने, हम एनएसडी में पढ़ाया जाता है जी, फिर मैंने फिल्म एप्रिसिएशन कोर्स किया था एफटीआई और नेशनल फिल्म आर्काइव से, और उसके अलावा हम लोग फिल्म फेस्टिवल्स बहुत अटेंड करते थे, जितने भी फिल्म फेस्टिवल, और पहले हमारे जमाने में तो जो हमारा जो भारत का इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल होता है जो गवर्नमेंट का, वो आजकल गोवा में होता है। अच्छा, पहले हमेशा दिल्ली में ही हुआ करता था। गोवा में क्यों होता है पता नहीं, अभी उन्होंने एक फिक्स कर दिया वेन्यू पिछले कुछ सालों से, दिल्ली में जगह नहीं है, गोवा में करो। नहीं, गोवा में शायद ऐसा लगता है ना, बाहर के लोग आएंगे, वो टूरिज्म के हिसाब से बेटर स्पेस है और फिल्म मार्केटिंग के हिसाब से शायद बेटर स्पेस है, लेकिन तो पहले दिल्ली में ही हुआ करता था। तो मैंने वर्ल्ड सिनेमा देखा था पहले से, पूरा वर्ल्ड सिनेमा देखा था। आपको देख के जब आप देखते होगे एक्टिंग में, आपको मन नहीं करता होगा, मैं कभी एक्टिंग करी नहीं, मुझे पता नहीं, बट मैं एक्टर के पर्सपेक्टिव से सोचना चाहता हूं कि अगर मैं, अगर एक्टर होता तो यार काश ऐसी मूवियां मैं एक्ट करने को मिले, ये लगता था। लेकिन अभी लकीली कुछ कुछ ऐसा काम होने लग गए और मुझे जो बड़ा ब्रेक, मैं सबसे बड़ा सिद्धार्थ को ही मानता हूँ जिसने मेरे, जिसने री इन्वेंट किया मेरे एक्टर को, तो वो उसी तरह की जॉनर की फिल्म है ना, जिस नियो रियलिज्म जिसको बोलते हैं, जिसको क्रिटिकली एक्लेम फिल्म रही वो, तो आजकल लकीली थोड़ा ऐसा मिलने लगा, ऐसे फिल्में बनने लगी और फिल्में भी आमतौर पे भी जैसी बन रही हैं वो काफ़ी रियलिस्टिक नहीं है, चाहे बरेली की बर्फी हो, चाहे जो मैं कह रहा हूँ मेन स्ट्रीम में बन रही है वो भी, जैसे वो कर आयुष्मान जो लौंडा, हाँ आयुष्मान खुराना जो कर रहे हैं वो, देखो ना कितनी मजेदार है, हीरो कितनी, एक किसी और जमाने में हीरो ये ट्राई कर सकता था क्या? भाई आज कर पा रहा है, तो ऐसा काम तो होने लगा थोड़ा थोड़ा, तो लकीली इट्स अ गुड टाइम फॉर एक्टर्स बिकॉज ऑफ फिल्म्स भी और बिकॉज ऑफ ओटीटी प्लेटफॉर्म्स भी जी, जिससे कितना होता है। आप कह रहे हो ओके, सो एक्टर से मेरे को बताओ व्हाट इज एन एक्टर फॉर एन एक्टर, क्योंकि आपके लिए एक एक्टर होता क्या है?
क्योंकि हमारे देश में हम जो देखते आए हैं, एक्टर इज अ फकिंग हीरो, राइट? हाँ, मतलब हीरो वैसे, व्हाट इज एन एक्टर? देखिए, एक्टर होता है जो हर रोल की तैयारी करता है, हीरो होता है वो सिर्फ हीरो की तैयारी करता है. तो जो हीरो बनना चाहते हैं वो बॉडी बिल्डिंग करते हैं, वो डांस सीखते हैं, वो फाइटिंग सीखते हैं, स्टेरॉइड्स भी लगाते हैं, जो भी मतलब, और आजकल तो क्या क्या चल रहा है, जो भी करते होंगे. बहरहाल, मतलब हीरो बनना है वो हीरो की तैयारी करता है. तो पहले का यही था कि हीरो बनते थे वो हीरो की तैयारी करते थे, जो विलेन बनता था वो विलेन की तैयारी करता था, और आम लाइफ में भी विलेन की तरह रहता था. अच्छा. कि वो चमड़े की जैकेट पहनेगा और ऐसे मोटी मोटी चेन पहनेगा और कुछ ना टैटू कराएगा और बालियां पहनेगा और ऐसे करके. फिल्म इंडस्ट्री में मैंने देखा है ना, जो कॉमेडियन बनना चाहता है वो कॉमेडी स्टीरियोटाइप जो है ना, वो वैसे ही अपनी प्रिपरेशन भी करते थे लोग. तो वो मतलब इट इज लाइक प्रिपेयरिंग फॉर अ रोल. बट एक एक्टर होता है वो अपनी प्रिपरेशन ऐसा करता है कि वो हर रोल में फिट हो सके. समझ गया. अब ये कोई व्यक्ति, मतलब पहले ये समझ नहीं थी, अब आ गई है. कि पहले मैं जाता था तो कोई ये सोच नहीं सकता था कि ये ऐसा दिखने वाला आदमी खूंखार लग सकता है क्या. अरे भाई, एक्टर हूँ, लग जाऊंगा, कुछ ना कुछ करूंगा. वो पहले ये देखते थे कि खूंखार दिखने वाले कोई खूंखार दें, हीरो दिखने वाले कोई हीरो दें. लेकिन अभी वो चेंज हुआ है. तो एक एक्टर, मेरे लिए एक्टर वो है जो हर रोल कर पाए. हाँ. और मैं चाहे छोटा रोल कर रहा होता हूँ, चाहे बड़ा रोल कर रहा होता हूँ, मैं उस कैरेक्टर को, उस कहानी का हीरो मान के ही करता हूँ. मैं ये नहीं सोचता हूँ कि साइड रोल कर रहा हूँ या सपोर्टिंग कैरेक्टर बोल देते हैं ना आजकल, सपोर्टिंग आर्टिस्ट. मैं वो नहीं सोचता. मेरे हिसाब से वो कैरेक्टर हीरो है, क्योंकि एवरीबॉडी इज अ हीरो इन देयर ओन लाइफ, इन देयर ओन स्टोरी. है ना? बिल्कुल. तो मैं अगर उसको छोटा मान के अप्रोच करने लग गया तो उसमें कहाँ डिग्निटी आएगी? जान ही नहीं डालोगे आप. हाँ, जान ही नहीं डालोगे. प्लॉट डिवाइस हो जाएगा ना फिर आपके लिए वो, कि बस वो इधर से इधर मूव करने के लिए हीरो को हेल्प कर रहा है. हाँ, हेल्प कर रहा है. समझ गया. तो वो जिसको बोलते हैं ना, कि अपने संस्कृत में बोला है, नाट्य शास्त्र में बोला है, पात्र और चरित्र के बीच जो फर्क है ना, है ना, रोल और कैरेक्टर के बीच जो फर्क है. समझ गया. तो आप कितने, आपको लगता है आपके अंदाजे से, हमारे पूरे बॉलीवुड की बात कर रहा हूँ मैं, कितने हीरो हैं या कितने एक्टर हैं? अभी तो थैंकफुली बहुत बदल रहे हैं ना, जैसे आयुष्मान खुराना, राजकुमार राव जी, ये सारे हीरो भी हैं और एक्टर भी हैं ना, जो दे आर रेडी टू डू एनीथिंग, है ना. अब ये है, हीरो इसलिए हैं क्योंकि वो कहानी का केंद्र वाला चरित्र कर रहे हैं, इसलिए हीरो हैं, अदरवाइज तो नहीं है. बट वो कर रहे हैं अभी कई, लेकिन कई लोग हैं जो जिसको बोलते ना पर्सनैलिटी कल्ट, उनकी पर्सनैलिटी बिकती है मेरे ख्याल से. सलमान खान है, उनकी पर्सनैलिटी को देखने आते हैं, एंड ही इज क्लियर अबाउट इट आई थिंक, है ना. वो उसका बोझ भी लेके नहीं चल रहे हैं, और ये उनकी अच्छी बात है. लेकिन जैसे आमिर खान है, वो एक एक्टर के तौर पे भी अपने आप को आगे लाने की कोशिश में हमेशा दिखाई देते हैं मुझे वो. आमिर खान ने कभी नेगेटिव रोल किया कोई? मुझे ऐसा याद नहीं पड़ रहा, लेकिन तो वो करता, लेकिन रोल हमेशा वैसे ही, इसमें वो मॉरली एकदम अपने आप को वैसा करे. अब ये देखिए, वो तो हीरो वाली बात है, लेकिन बहुत सारे लोग हैं, सलमान, शाहरुख खान ने किए हैं नेगेटिव, स्टार्टिंग में किए थे, स्टार्टिंग में किए थे. इवन अमिताभ बच्चन ने किए थे. अमिताभ बच्चन इज अ डाइवर्स एक्टर, है ना. या अमिताभ बच्चन ने किए थे, तो उन्होंने तो तब भी किए थे, शुरुआत में भी काफी नेगेटिव कैरेक्टर्स होते थे जो, मतलब एंटी हीरो काइंड ऑफ तो थे ही, चाहे वो उसका थ्रस्ट जो मॉरेलिटी हो. नहीं, एंटी हीरो इज परफेक्ट वे, जो आप उसका 60 70 की जो आप बोल रहे हो. या ही वाज, ही वाज सोसाइटी के अगेंस्ट थे, अपने रूल्स लेके आया एक इंसान, अपनी खुद की मॉरेलिटी, सोसाइटी की मॉरेलिटी को चैलेंज कर रहा है, चैलेंज कर रहे हैं, और मतलब वो एंटी एस्टेब्लिशमेंट या एंटी हीरो, क्योंकि बैटमैन वाला सीन ही है ना, कि वो बैटमैन है लेकिन वो बैटमैन इज नॉट अ हीरो, ही इज एन एंटी हीरो. सो सेम वे में, तो वो कर किया मतलब, लेकिन तब की जो दुनिया चाहती थी वो थी, फिर भी उसकी कहीं ना कहीं बैकिंग स्पाइन मॉरली था ना, कि वो बुरा बना है तो क्योंकि किसी के साथ बुरा हुआ है इसलिए बना है ना, स्वार्थ से नहीं बना है. नहीं सही, लेकिन मैं तो स्वार्थ से भी बुरा बन सकता हूँ ना, कि मेरा स्वार्थ है बुरा होना यार. तो इसमें मेरे साथ कोई दुर्घटना नहीं घटी थी. जी जी जी. तो जैसे आपके लिए, जैसे मेरे लिए, इसलिए हमेशा पता, मैं बैक टू नवाजुद्दीन सिद्दीकी पे आ जाता हूँ, क्योंकि ये इंसान सबसे रेचिट कैरेक्टर जो गया, खराब सोसाइटी थूके जिसके मुंह पे, ये वो भी करता है.
ये लाइक ये मुझे रेंज होता है, आई थिंक दैट्स एन एक्टर, कि आप थुकवा भी दो अपनी एक्टिंग से, वाकई मन करे थूकने, क्या घटिया आदमी है, फिल्म देख के लगे, राइट? हाँ बिल्कुल। तो क्योंकि आप एक एक्टर के तौर पे, मैं कोई एक एक कोई रियलिटी पेश कर रहा हूँ ना दुनिया की, इट्स अ रिफ्लेक्शन, कोई ना कोई रियलिटी पेश कर रहा हूँ, वो मैं नहीं हूँ नेसेसरीली, और ऑब्वियसली मैं खुद को क्यों जोड़ूंगा एक्टर से, हालांकि मैं अपने, हो सकता है कुछ अंदर छिपे हुए कुछ कचरा निकाल के ऊपर लेके आता हूँ उस मुकाम में, लेकिन हाँ नवाज ने बिल्कुल किया, बहुत सारी चीजें नवाज ने की है, मेरे ख्याल से नवाज नहीं है बहुत ज्यादा किया इस तरह के कैरेक्टर भी रिसेंटली, तो वो है। अब जैसे मैंने वो सिलेक्शन डे, अगर आपने देखी हो नेटफ्लिक्स पे, मूवी है या सीरीज है? सीरीज है, सिलेक्शन डे, वो क्रिकेट पे है। ओके। उसमें जो बाप है जो मैंने प्ले किया है, उससे लोग चिढ़ते हैं, नफरत करते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से वो हीरो ही था, क्योंकि उसके इंटेंशंस मेरे हिसाब से राइट प्लेस पे थे, कि वो खुद अनसक्सेसफुल क्रिकेटर है तो बच्चों को क्रिकेटर बना के छोड़ेगा। अब उसके तरीके इतने गंदे हैं कि कोई कोई भी अनलाइकेबल हो जाता है वो कैरेक्टर। बट दैट्स द थिंग, राइट? यही तो कैरेक्टर की, आई थिंक आप अगर कोई एक्टिंग कर रहा है, जो रोल है, अगर वो इंसान नहीं है, और इंसान कभी अच्छा बुरा नहीं होता, हम नुआंस्ड हैं, राइट? और दूसरी बात यह है, हम झूठे हैं बहुत, एक टू ए ग्रेट एक्सटेंट ह्यूमंस, हम सामने चाहते हैं इंसान को एक तरह से देखना कि हमें ऐसे देखो, रियलिटी क्या है, हम इसलिए चाहते हैं वो, क्योंकि जो हम असली में हैं हम वो अपने आप भी नहीं देखना चाहते, हमारे अंदर बहुत खामियां हैं, अगर हम वो खोल दें तो इंसान हमें पता कभी पसंद नहीं करेगा। तो हम पूरी दुनिया एक तरह से, हम अग्रीड, एक अनसेट रूल है जिसके बेसिस पे हम लोग इंटरेक्ट करते हैं दूसरे से, वो ये है कि हम कभी सच नहीं बताएंगे अपने बारे में, हम आपको अपनी बेस्ट साइड दिखाएंगे, तो हम सब एक तरह से झूठ बोलते हैं दूसरे से। तो हम जब टीवी में कोई देखते हैं, या मूवी में कोई कैरेक्टर देखते हैं, या टीवी सीरीज में कोई देखते हैं, कैमरा का होल पॉइंट ये होता है कि हमें वो दिख रहा है जब वो इंसान झूठ नहीं बोल रहा समाज से, क्योंकि हम कैमरा लगा के उसकी प्राइवेट मोमेंट भी दिखा रहे हैं। तो वो जब वो गलत काम कर रहा है या कुछ जो चीजें कर रहा है, हमें सब एज अ मिरर दिख रही हैं, दिख रही है, जो हम आम जिंदगी में नहीं देख पाते, वही आम जिंदगी में ऑब्वियसली इतना कोई दिखाता है, वो हमें तब दिखता है जब हमारी कोई ले लेता है, हाँ, या कोई एकदम ही ऐसा डिसीजन मेकिंग, कोई बहुत ही बड़ी घटना घट रही होती है, जैसे हम किसी से मिले हुए हैं, हमें कोई बहुत पसंद आ रहा है, फिर लेट्स से कोई कॉमन इंटरेस्ट आ गया, जब कोई चीज आई इंटरेस्ट की, और उसमें फिर दिखा कि हाँ ये इंसान को हम अज्यूम करते आ रहे थे ऐसा ही होगा, जब वो नहीं होता तो हमें दिखता, अरे ये अब तक तो बड़ा अच्छा था, ये इसने, यू नो, यहाँ पे इसका, क्योंकि सेल्फिशनेस आई ना कॉमन इंटरेस्ट में, पहली बार जब सेल्फिश मोटिव आया कोई, तब आपको असली इंसान दिखता है। जैसे मैं खुद बता रहा हूँ, मेरे साथ बहुत सारी चीजें ऐसे, अभी किसी से जब थोड़ा सा ऐसे, आप भी हो, आप अगर इस मीडिया या इस तरह की इंडस्ट्री में, तो आपको जो भी आपके कॉलीग्स होते हैं या जो भी मिलता है, आपको बड़े प्यार से मिलते हैं लोग, खुशी होकर मिलते हैं, ये वो, और मैं, मेरे काफी एक्सपीरियंसेस रहे, जैसे मैंने किसी साथ वीडियो शूट किया और उनके घर पे किया, सब कुछ किया, फिर मैं वापस आया, और फिर जैसे अगर क्लिप आई कुछ, तो मैं देखा मेरा पार्ट कट हो चुका है, अब वो इंसान मेरे से ऐसे बात कर रहा, अभी भी ऐसे मेरा बेस्ट फ्रेंड है, लेकिन वहां पे शायद उसको कुछ फील हुआ हो कि यू नो यहाँ पे ज्यादा अच्छा लग रहा है, क्योंकि उसका सेल्फिश मोटिव है, यहाँ पे शायद मैं खराब लग रहा हूँ, तो उसका पार्टी उड़ा दो, वहां पे इतना सटल था, उतना प्राइवेट था कि मुझ तक कभी पहुंचा भी नहीं, उसने कभी कन्वे नहीं किया मुझे, कभी कम्युनिकेट नहीं किया, और आज मुझसे तब भी वो सामाजिक तौर पर जो मिल रहा है, आर्ट का, राइट, कि हमें सच्चाई दिखाओ, और जितनी ज्यादा वो सच्चाई होगी उतना ज्यादा हमें सोचने में मजबूर करता है चीज, जिसपे हम ये आम जिंदगी में मिट्टी डाल देते हैं ना, बिल्कुल, कि मिट्टी डालो आगे चलो, वो वाले एस्पेक्ट दिखा रहे हैं, बिकॉज़ टू अ ग्रेट डिग्री आर्ट इज रिफ्लेक्शन ऑफ रियलिटी थ्रू एक्सप्रेशन। तो एक आर्टिस्ट या एक एक्टर भी क्या कर रहा है, एक्सप्रेस कर रहा है एक रियलिटी को, वो रियलिटी को गंदा बुरा नहीं कह रहा, वो उसको अच्छा खराब नहीं कह रहा, वो बस रियलिटी को देख रहा है एक ऑब्जेक्टिव फॉर्म में, वो कह रहा है मैं इसको पूरा करूंगा और मैं आपको दिखाऊंगा, वो फिर आप पे है। कई लोगों के साथ जैसे एक कैरेक्टर मैं आपको बताता हूँ, मनी हाइस्ट एक शो है, उसमें एक कैरेक्टर है उसका आर्तुरो ऐसे कुछ नाम है उसका, स्पेनिश शो है ये, उसको आप देखोगे आपको नफरत होगी उस कैरेक्टर से। अब उसके पीछे की साइकोलॉजिकल जो मोटिव था ना डायरेक्टर का, राइटर का, वो ये था कि वो कैरेक्टर से आपको, आपको पता भी नहीं, लेकिन आप उससे नफरत करोगे,
बनिया ऐसा शो है कि कुछ बैंक में किडनैपिंग हो रही है ना, ठीक, नफरत इसलिए करोगे क्योंकि वो कैरेक्टर वो सब कुछ है जिससे आप नफरत करते हो अपने आप से. ही इज द प्रोजेक्शन ऑफ योर रियलिटी. यू हेट हिम बिकॉज ही इज एक्टिंग और रिएक्टिंग जस्ट द वे एक एक्चुअल में नॉर्मल इंसान करेगा. वो लोगों को बिट्रे करने को तैयार है, वो बस अपने सर्वाइवल के लिए सोच रहा है. हम जब एक सिनेमा देखते हैं हम सोचते हैं यहाँ पे कुछ नोबिलिटी होगी, हेरोइज्म होगा, लेकिन वो हमारी तरह की है. सच्चा इंसान डरा हुआ है, असली नॉर्मल इंसान उसकी फटती है, वो धक्का देगा किसी को भी करके अपने आप को बचाना सोचेगा. वो वैसा ही है, वो औरतों की इज्जत नहीं करता, उसको अगर मौका दिख रहा है तो वो समझ रहे ना वैसे काम कर रहा है. तो ये चीज है, वो बेसिकली उनका प्लॉट का बहुत पॉइंट था आर्तुरो का कि ये तुम्हें इसलिए नफरत नहीं हो रही क्योंकि तुम्हें लग रहा है ये बेकार कैरेक्टर है, तुम इसलिए नफरत हो रही क्योंकि काइंड ऑफ सी योर रिफ्लेक्शन है. यस, सो दैट्स आई सी लाइक इन एन आर्ट दैट्स सच अ गुड थिंग. हां, तो बोलते हैं ना कि जैसे साहित्य या ये समाज का आईना है. जी जी जी, तो एक तरह से हम रिफ्लेक्शन ही दिखा रहे हैं. बिल्कुल. आपके बताइए फेवरेट मूवी कौन सी है. मेरी फेवरेट मूवीज या पसंदीदा, वो मेरी पसंदीदा पुरानी मैं बताऊं तो मुझे कॉमेडी में पड़ोसन एक फिल्म आई थी, बड़ी बहुत ही मजेदार फिल्म लगती है. शोले, पड़ोसन, किसको नहीं पसंद होगी. गुरुदत्त की लगभग सारी फिल्म है और ऋषिकेश मुखर्जी की सारी फिल्म है. कौन सी नाम, जैसे चुपके चुपके, बहुत सारी है ना उनकी, तो क्लासिक कॉमेडीज. हाँ, क्लासिक कॉमेडीज ये पसंद है. और गुरुदत्त की ट्रेजेडीज ही है वो पसंद है, क्योंकि मेरे फादर बहुत पसंद करते थे और उन्होंने हमें गुरुदत्त दिखा दिखा के वो लाइफ से बहुत ज़्यादा उनसे बड़ा प्रेरित रहा मैं. जी जी जी. और विदेशी फिल्मों में मैं को एक फिल्म बहुत पसंद है, वो है सिनेमा पैराडीज़ो, इटालियन मूवी है ना. वो बहुत प्यारी है क्योंकि मेरा बचपन कुछ वैसा है. मेरे फादर की प्रिंटिंग प्रेस थी जी. और पिक्चर हॉल के सारे टिकट हमारे घर में हमारे प्रेस में छपते थे, तो बाबूजी मुझे ले जाते थे और मुझे प्रोजेक्टर विंडो में बैठा के फिल्में देखी है. मैंने बचपन में अपनी बहुत सारी फिल्में मैंने प्रोजेक्टर विंडो में बैठ के देखी है. वो वैसे ही एक बच्चे की कहानी है. बिल्कुल, देखिए मेरी. फिर शिंडलर्स लिस्ट अगर देखें, इस तरह की बहुत सारी, बाइसिकल थी, बाइसिकल तो ऐसी बहुत सारी फिल्में, गांधी अपने आप में. तो ऐसे कोई पर्टिकुलर ऐसे नहीं है कि बहुत ही यही यही, लेकिन ऐसी बहुत लॉन्ग लिस्ट है तो वो है. आई थिंक फिल्म जैसे सिनेमा पैराडाइज़ो जैसी मूवी हो गई, इसमें सबसे खूबसूरत बात ये लगती है मुझे उस मूवी के बारे में, जैसे कि आप जब देख रहे होते हो आप मूवी स्टार्ट होगी, पता है कुछ मूवीज होते हैं ये मार्टिन स्कॉर्सेज़ी भी करता है अपनी मूवीज के साथ, आप कभी रियलाइज नहीं करोगे बट मूवी चलती रहेगी नॉर्मल. और ये जैसे जिंदगी होती है ना नॉर्मल, ये वैसे चलेगी. यहाँ पे कोई आपको ऐसा नहीं लग रहा कि आपको एंटरटेनमेंट दिया जा रहा है. जिंदगी जिस तरह से चलती है, जिस पेस में चलती है, वैसे चल रही है. और आप कब जुड़ गए मूवी के बीच में आपको पता ही नहीं है. मार्टिन स्कॉर्सेज़ी की मूवी में इसलिए हमेशा सोचता हूँ जैसे कि आपको कोई भी, जैसे गुडफेलस होगी, देखिए आपने गुडफेलस, चलिए आप उसकी कोई फिल्म उठाओ ना, आपको ऐसा लगता है आप इन सबको जानते हो, आप उस जगह पे बैठे हुए हो. जब ये डायरेक्टर कर देता है ना कि आपको लग रहा है आप वहीं बैठे हो, जैसे उसमें काफी सीन्स है गुडफेलस, तो क्लासिक मूवी है, ठीक है, गैंगस्टर मूवी है, गैंगस्टर बैठे हैं तुम्हारे किसी पब में या उनके जो भी बार होते थे उस टाइम पे 70s के, तो आपको लग रहा है आपको वो फीलिंग दिलाता है जैसे आप भी वहीं बैठे हो, आप इन सबको जान गए हो, आप इनके साथ जिंदगी जी रहे हो. और सिनेमा पैराडाइज़ो में सीखा था एक क्वालिटी है इस मूवी में, क्योंकि एंड में जब वो सब बूढ़े हो गए हैं वो वापस जाता है फ्यूनरल में, तो वो सारे कैरेक्टर जिनके साथ आप स्टार्टिंग में सोच भी नहीं रहते इतना ज्यादा, आप जुड़ चुके हो क्योंकि आप उनको बूढ़ा होते हुए देखा है आपने और सब वही है. वो मूवी बिल्कुल झंझोर देती है इमोशनली वही, क्योंकि एज एन एक्टर ऑल्सो और एज ए मेकर जी, हम जब भी कोई चीज बना रहे हो ना तो हमें मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि सामने वाले को ये ना लगे कि आई एम मैनिपुलेटिंग यू थ्रू म्यूजिक और थ्रू माय शॉट्स और थ्रू माय एक्टिंग और मैं अपने इमोशन को ज्यादा डाल के मैं उसको सिंपैथी बटोरने की कोशिश करूं. जैसे कोई रोके हमसे सिंपैथी लेके काम करवाना चाहता है वैसा स्वार्थ लगता है. इफ आई ट्राई टू मैनिपुलेट यू थ्रू माय आर्ट तो वो स्वार्थी लगता है जी. तो पहला काम है एज इट इज कर देना. आई एम देयर जस्ट एन एज एन ऑब्जर्वर, तो माय कैमरा इज जस्ट ऑब्जर्विंग व्हाट इज हैपनिंग. बिल्कुल. तो एक्टिंग में भी मैं ये कोशिश करता हूँ कि मैं सिंपैथी ना जगाने की कोशिश करूँ, मैं एम्पैथी वाली जगह बनने की कोशिश करूँ कि मैं नहीं, मैं मैनिपुलेट नहीं करूँगा अपने इमोशन से आपको. बिल्कुल. मैं ये जो जी रहा हूँ वो जीता रहूंगा, आपको अपने आप कुछ ना कुछ मेरे से जुड़ाव मिलेगा कहीं ना कहीं, लेकिन मेरी कोशिश नहीं है आपको
घुसड़ने की जबरदस्ती आपको वो करने की क्या कहें मैनिपुलेट करने की बहुत बुरा हो गया है रोना ये जो पुराना होता था ना पियानो पे और ये विक्टिम मोड जो हमेशा हमारी रहती है और हमारे आर्ट में बहुत ज्यादा विक्टिम मोड रही है पोएट्री में बहुत ज्यादा रही है जो मैं खुद भी पोएट्री में लिखता रहा हूँ बड़ा रोमांटिक तो कई विक्टिम मूड वाली बहुत सारी हैं पोएट्रियाँ लेकिन धीरे धीरे मैंने उनसे निजात पाने की कोशिश की कि नहीं यार विक्टिम मूड नहीं पहले के तो गाने ही देखो ना जैसे एक गाना है बड़ा मुझे क्या लगता है जैसे कोई वो ब्रेकअप हो गया एंड यू आर वन ऑफ द वो ना ब्रेकअप के गुरु हो तुम तो मतलब लेकिन बहुत लोगों को दिलासा दिलवाई होगी यार ये बात है ना जो मेरे ख्याल से यू हेल्प्ड अ लॉट ऑफ पीपल आई एम श्योर तो वो क्या है कि वो लेकिन गाना कैसे है ना कि मेरे दुश्मन तू मेरी दोस्ती को तरसे मुझे गम देने वाले तू खुशी को तरसे है ना ब्रेकअप हो गया और ब्रेकअप के बाद हीरो ये गाना गा रहा है कि मतलब उसको लानते भेज रहा है लड़की को है ना दुआएं भर रहा तो ये गाना भी अभी रिसेंटली फेमस है ऐसा ही गाना है कि इसमें मेरा कुछ नहीं जाता तेरा घाटा सुना है ऐसे कुछ वो भी सेम ही सेंटीमेंट ही तो है कि हाँ, तो मेरा हमसे ब्रेकअप हो गया तेरा ही घाटा ये मेरा कुछ नहीं आता बट ये इसमें हीरोइज्म नहीं क्योंकि वो लड़के का चोट खाया हुआ है चोट खाया लेकिन वो इसमें थोड़ी सी अकड़ है वो वाला थोड़ा गरीब भिखारी सा है पुराने वाला ये थोड़ा अकड़ है इसमें इसको लग रहा है मैं कूल हूँ कूल वाली बात नहीं है ये वही बात है कि आप अपने आप को दिलासा दे रहे हो कि नहीं इसका ही घाटा है फील आपको हो रहा है एक सवाल पूछना है तुमसे जी 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 कि ज्यादातर फिल्में जो बनी है 90% फिल्में ऐसी हैं जिनमें प्यार मोहब्बत ही है और कुछ नहीं है कि एक लड़का लड़की है और वो लास्ट में मिल जाते हैं 90% फिल्में यही है ना आज भी फिल्म बन रही है तो चाहे बैकग्राउंड कुछ भी कर दो कहीं ना कहीं एक रोमांटिक तो उसपे तुम्हारा क्या टेक है और इतने वक्त से जो गुजरा है क्योंकि मतलब आई कंसीडर यू वन ऑफ द मतलब ग्रेट माइंड्स इन दिस थिंग तो नहीं नहीं सच में यार तुम्हारी एक समझ है ना जो मुझे लगता है कि आज के लड़कों को सबको ही जरूरत है तो वो वाले में क्या कहना है देखिए अगर ये जो क्योंकि वो फिल्मों ने भी तो हो सकता है ना बहुत सारी चीजें नहीं वो तो करी है बिल्कुल करी है देखिए हमारा देश थोड़ा सा अलग है क्योंकि हमारा देश जैसे मैं अभी एक देवदत्त पटनायक का एक इंटरव्यू देख रहा था वो हैं बड़ा बात करते हैं यू नो सब वेदान पुराण सब की बहुत ढंग से बात करते हैं उन्होंने कहा था हमारा देश भाव का देश है प्रेम का देश है तो देर इज अगर यहाँ पे मैं दो तरह से लेना चाहूंगा पहली चीज अगर लेफ्ट से वर्ल्ड में वर्ल्ड सिनेमा एग्जिस्ट ना करता होता और सिर्फ यही था देन दिस वुड हैव बीन अ केस जहां पे कि एक्सेप्टेड पैलेट जो है जिसको यूज करता है पेंटर वो वही यूज करता आ रहा है तो सब वही इसको फॉलो कर रहे हैं देन आई वुड हैव अंडरस्टूड कि कोई दूसरा रेफरेंस पॉइंट नहीं है बाहर का जैसे हम कहें कि हम करके आ रहे हैं इसको क्वेश्चन करें ठीक है लेकिन वर्ल्ड सिनेमा है लेकिन तब भी हम क्या कर रहे हैं जब हमारे पास इतने सारे रेफरेंस पॉइंट हैं कि यार ये भी कर सकते हैं हम लोग या फिर हमने तीन चीजें ली तीन चीजों से आइडिया है अब हम इन आइडियाज को एक बैकड्रॉप पे रखते हैं अपने कंट्री की रियलिटी देखते हैं और कुछ यूनिक क्रिएट करें जो हमारा यूनिक होगा आइडियाज क्रिएटिव फॉर्च ऐसे होते हैं आपको कुछ ना कुछ तो रेफरेंस पॉइंट रखना पड़ेगा राइट कोई जीरो से नहीं सोच लेता सब कुछ तो बॉलीवुड में मुझे चीज समझ नहीं आती कि इन्हें अवेलेबल सब कुछ है दिख सब कुछ रहा है लेकिन तब भी ये कभी जिंदगी में जैसे मैं बताऊं मैं कितनी स्टोरीज देखता हूं कि लेट्स से गैंगस्टर की बायोपिक चल रही है उसमें दो चीजें मुझे समझ नहीं आएगा आपको घुसेड़नी ही घुसेड़नी है मुझे आशा करना क्यों वो है पहला आइटम सॉन्ग रिलेटेड नहीं है वहां पे वो हाँ फिर भी है हो रहा है और दूसरा एक ऊबर टॉप लव स्टोरी मैं ये समझ सकता हूँ गैंगस्टर की वाइफ है क्योंकि लोगों की वाइफ होती है और अगर आप किसी की बायोपिक बना रहे हो सकता है उसकी वाइफ हो ठीक है वो एक स्टोरी हो सकता है बिकॉज ऑब्वियसली वो है ठीक है वो रियलिटी है बट दैट डजंट हैव टू बी द ऊबर प्लॉट ऑफ द थिंग जो कि गैंगस्टर हो गया फिर आप इसे एक सब एक बोल ले रहे हो कि हाँ हमें लव भी इतने बड़े तौर तरीके से दिखाना है ये मुझे कैरेक्टर वो समझ नहीं आता कि आ सके बॉलीवुड कभी इस चीज़ से वो क्यों नहीं हो पाया डिस्टेंस क्यों नहीं पाया कि हमें हर चीज़ में प्यार घुसाना ही घुसाना है और वही बात भाव से मैं आ रहा था दूसरी बात में कि हमारा देश एम्यूलेट करता हम सीखते एक तरह से आप कहो बॉलीवुड से हॉलीवुड से बॉलीवुड नहीं बॉलीवुड से हमारे पब्लिक बिल्कुल बिल्कुल तो जब भी बात है ना जो मैं आपसे कर रहा था जैसे 70s की बात हो गई तो हम सब अमिताभ बच्चन बनना चाहते थे 60s 70s में संजय दत्त में सबने बाल लंबे किए राइट सलमान खान जब जंग थे सब वर्कआउट करना शुरू हो गए
शाहरुख खान का तो मुझे नहीं पता ऐसा कुछ, अगर उन्होंने समाज को दिया हो नहीं, उन्होंने शाहरुख खान ने एक अलग तरह का रोमांटिसिज्म दिया, वही रोमांटिसिज्म दिया बिल्कुल प्यार और जिंदगी में, शुरुआती फिल्मों में तो वो था स्टॉकर थे वो, या स्टॉकिंग तो बॉलीवुड में बहुत टाइम से कूल रही है ना, स्टॉकिंग कूल है बताओ यार अरे असॉल्ट है कूल, मेरे को अच्छी तरह याद है अक्षय कुमार की पिक्चर देख रहा था जब मैं 17 साल का था, मैं कभी भूल नहीं पाऊंगा, तो 17 साल का था मैं, 17 साल का लड़का अक्षय कुमार का फैन, देख रहा था मूवी, उसमें करीना कपूर है और एक सीन और था ना शायद कुछ चल रहा है, आर्ग्यूमेंट चल रहा है दोनों में, तो अरे करीना कपूर ने आर्ग्यूमेंट इतनी बोल दी तो पकड़ता उसको किस कर लेता है, जो कि आज के परिभाषा में सेक्सुअल असॉल्ट कही जाती है, कि लड़की अपनी कोई बात करिए ना हम रिलेशनशिप में है, लाइक वो सिर्फ एक लड़की है आप ना जान ना पहचान, और आप कह रहे हो अरे तू बहुत ज्यादा बोली धारा सेक्सुअल असॉल्ट राइट, एंड वो मैं 17 साल का लड़का देख रहा था, मुझे लगा था यार कूल लौंडा ये होता है जेन्युइनली, मेरे जैसे 17 साल का लड़का, मेरे को यही लगा, तो मुझे लगा अच्छा अगर मेरे को लड़की पटानी है, 17 नहीं बहुत ज्यादा बोल दिया मैंने, 16 समथिंग होगा क्योंकि मैं क्लास 11th में था, तो मैं 16 साल का था, और देखिए कुछ लड़के बेवकूफ होते भी हैं जिनमें उनको लग सकता है कि ऐसा करने से वो लड़की खुश हो जाएगी, हम वही बेवकूफ थे क्योंकि कुछ लड़के होते हैं जो दबंग होते हैं, हमारे अंदर बॉल्स हैं ठीक है, अब हमें यहाँ से मैसेज मिल गया क्योंकि हमने पहली बार कूल चीज देखी, क्योंकि इन्होंने क्या किया देखिए अब तक क्या लड़का बस चेस कर रहा है, उसको कह रहा है नो मींस यस होता है, अभी तो यही भी लिमिट थे, अब किसिंग भी दिखा दिए कि लड़की को पकड़ो सीधे किस करो यार, क्यों उससे पूछ रहे हो प्यार से राइट, मर्द लौंडा तो ये होता है ना सीधे सेट हो जाएगी तुमसे, और मैं सच बताऊं उस पिक्चर देख के मैं सोच रहा था एक लड़की थी जो कोचिंग चाहती थी, मैं सोचने भी लग गया कि मुझे ये करना है, जाओ सीधे पकड़ के उसको किस कर लो बिकॉज ऑफ अक्षय कुमार, एंड मैं सच बताऊं उस टाइम मेरे को वही है ना कि आप ब्रवाडो में इतना ज्यादा होते हो आप सोचते नहीं हो, थैंक गॉड मैंने नहीं किया, नहीं किया मैंने क्योंकि मैं वही है ना सोचते हैं करते नहीं है, तो लेकिन मेरे दिमाग में आइडिया था, व्हाट आई वुड से आई केम लाइक 30-40% मैं कन्विंस था दिमाग में करूं क्यों हो जाएगा ये मतलब होगा कि नहीं होगा मुझे फर्क नहीं पड़ता, एक्सेप्टेबल है हमारे अंदर इतनी बुद्धि, देखिए जब जिसमें थोड़ा सा होता है ना दिमाग में वो सोचता नहीं कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में, तो हम ये सोच ही नहीं रहते होगा क्या, और हम ये कन्विंस हम ये कर सकते हैं, मैंने भगवान के नाम में नहीं किया आज, इसलिए मैं इस चीज को अभी भूल नहीं पाता क्योंकि अगर मैं कर देता ना तो अपने आप को आज माफ नहीं कर पाता, सच बताऊं तो मैं नहीं कर पाता क्योंकि मैं वैसा इंसान नहीं हूं, और वो चीज मेरे एक्सपेरिमेंटेशन होती, लेकिन एक्सपेरिमेंट जो गिल्ट मिलता मुझे मैं उसे भर नहीं पाता कि मैंने क्या दो कौड़े की चीज करी, नहीं लेकिन ये वाली कंडीशनिंग लड़कियों पे भी तो हो सकती है ना, बिल्कुल कि लड़की सोचे कि अच्छा ऐसा करने वाला सही है, ऐसा भी नहीं हो, बिल्कुल 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 पता चला तुमने किया और वो खुश हो गई कि यार ये तो इज लाइक अक्षय कुमार, ये इज गट्स, यहाँ पे आप मैं कौन सी जितनी सारी पिक्चर थी पारिवारिक जो बनी थी समझ गए ना, सिर्फ सब पारा सलमान खान भी था सैफ अली खान भी था समझ गए ना कौन सा डायरेक्टर है, हाँ ये हम आपके हैं कौन, हाँ ये सारी पिक्चरों में आप अगर इनकी थीमेटिकली अगर इनको स्टडी करोगे तो आपको देखेगा औरतें हमेशा 24 घंटे किचन पे हैं, औरतों का कोई करियर कभी नहीं होने वाला, औरत हमेशा सिर्फ शादी करने के लिए पैदा हुई है, पति परमेश्वर है, परमेश्वर है गॉड है, उसके सामने कभी क्वेश्चन भी नहीं कर सकती, आप लिटरली एक जनरेशन को एक बहुत ही हैप्पी पैकेजिंग में आप मोरालिटी और कैसे जीना है बेच रहे हो, आई एम प्रीटी श्योर हमारे ये हमारे जनरेशन के नहीं हुए बट हमारे थोड़े से ऊपर चले जाओ हमारी मौसियां जो होंगी जो भी होंगी वो सीखे होंगे उनसे कि अरे मुझे ऐसे ही सोचना चाहिए, मैं कहां सोच रही थी कि मेरे को अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए, हमें क्या पता, बट हो सकता है बहुत औरतों ने सोचा हो क्योंकि इतना एक्सेप्टेबल लग रहा है, कितने खुश हैं ये परिवार बहुत सारे, मतलब मैं एक मेरे को एक छोटा सा ऐसी ऑफ द कफ एक याद आ रही है चीज कि मैं एक गाना देख रहा था, बड़ा प्यारा गाना है, मैं भूल रहा हूँ अभी गाना, बड़ा फेमस गाना है और लेकिन वो फिल्म 80s की होगी, विनोद मेहरा और रेखा है उस गाने में, उस गाने में विनोद मेहरा क्या कर रहा है, सिगरेट पी रहा है और रोमांटिकली उसके मुंह पे धुआं मार रहा है ठीक है एंड शी इज हैप्पी, जबकि वो स्मोकर नहीं है लेकिन ये रोमांटिसिज्म है, स्मोकर भी कौन पसंद करता है मुंह पे धुआं मार, मतलब कहीं मैं कह रहा हूँ कि एक कुछ गुंजाइश होती है चलो हाँ हो सकता है उसको माइंड नहीं कर रही है ये खुद ही पीती है, मैं समझ सकता हूँ या तो उसको पीते हुए दिखा, बट इसके आप अगर हम अभी लिस्ट करने लग जाए ना एग्जांपल्स तो वो अनेक है, क्योंकि मैंने कितने गोविंदा के गाने सरकारी लोग हटिया जाड़ा लगे से लेके आप कितनी सारी उसमें चले जाओ तो उसमें आप वो नहीं कर सकते कि कंसेप्ट लाइक आप गिनती नहीं कर सकते क्योंकि बॉलीवुड की हराम खोरी, मैं तो आशा समझ आता मैं गैंगस्टर वाली मूवी डाल रहा हूँ, शाहरुख खान की मूवी थी ना जिसमें गैंगस्टर बना था रिसेंटली उसमें सनी लियोन का आइटम सॉन्ग था, मुझे आशा समझ नहीं आया मूवी का ट्रेलर देखा मैं इसलिए उस मूवी को नहीं देखता क्योंकि उसकी हर मूवी में एक आइटम सॉन्ग होता है, जहाँ आइटम सॉन्ग होता मैंने मुझे समझ नहीं आया भाई तू मूवी नहीं बना सकता क्या, सिंपल एक मूवी बनाना तू एक बार जिसमें स्टोरी है असली चीज़,
your focus, your money, your everything is in story. And you are in it, and you are an actor for once. भाई. लेकिन अभी filmmakers के दिमाग में पता है क्या चल रहा है, ये बीच में discussion भी आ रहा है, कि धीरे-धीरे जो हमारा song and dance drama था ना, जो सारा, वो खत्म हो रहा है. और इस बात से भी दुखी हो रहे हैं लोग. Okay. कि यार ये हमारी एक पैदा की हुई genre है, और वो मरनी नहीं चाहिए. मरनी नहीं चाहिए सर, मैं इसमें agree करता हूँ. क्योंकि इसको एक बहुत ढंग से कर सकता है एक इंसान जो करता भी है, संजय लीला बंसल. ही डज इट वेरी वेल. स्टोरी भी होती है. मैं कहूँगा 60% मूवियाँ उसकी भी मुझे गार्बेज ही लगी, ठीक है. लेकिन कुछ मूवीज हैं जिनमें एक परफेक्ट बैलेंस लाया है वो, विद स्टोरी, ड्रामा, रिलेशनशिप्स एंड द ब्यूटी, द कल्चरल, द बॉलीवुड जो है, कहीं ना कहीं मतलब देयर इज आर्ट जाती हुई. क्योंकि सर आप ब्लाइंडली कोई चीज को देख के नहीं कह सकते ये सब बढ़िया है. किसी भी चीज में कुछ चीजें बढ़िया होती हैं, कुछ चीजें वाकई वाहियात होती हैं. तो अगर आप ये सॉन्ग एंड डांस की बात कर रहे हो, इसमें भी आपको नोटिस करना पड़ेगा, कुछ डांस एक्चुअली आर्ट कह सकते हो उसको. कोरियोग्राफी इतनी सुंदर है, राइट, जैसे पद्मावत हो गई मूवी, एस्थेटिकल है. हाँ, इट्स नहीं, उसमें एफर्ट जा रहा है. कुछ डांस सॉन्ग एंड डांस आप देखो वीडियो में कम लिख रहा है, एकदम वाहियात है, वाहियात देखने से. इसमें कुछ कुछ वो नहीं हो रहा कि और ये स्टूपिड चीजें, इट्स नॉट इवन आर्ट. आप कहोगे इट्स कंप्लीट कमर्शलाइजेशन, क्योंकि उन्हें कुछ गाने बेचने हैं इस मूवी के. गाने भी वही आते हैं, लिरिसिज्म देख लो आप, मेलोडी देख लो, राइट. तो उस सेंस में, तो अगर आप थोड़े से पुराने रूट्स, बॉलीवुड के रूट्स पे जा रहे हो, वही मैं 70 बात कर रहा हूँ, उसमें कितने सुंदर गाने भी होते थे सर, राइट. आप डांस भी कर सकते हो उसमें, अच्छा. लेकिन आप उसको लेआउट करो वैसे, थोड़ा सा एफर्ट करो कि हम गाने डालने वाले हैं, तो थोड़ा आप उसको प्लान करते हैं. ये नहीं कि मूवी ये चल रही है, 2 घंटे की स्टोरी है, आप इसमें बीच में कितने गाने ठोक सकते हैं. क्योंकि जितनी मूवी मैं देखता हूँ गाने कहाँ से शुरू, एकदम से शुरू आते हैं, कोई पॉइंट ही नहीं है. हीरो ने कहा सलमान खान ने ऐसे किया, फिर गाना शुरू हो गया एकदम अजीब बेवकूफों की तरह. वो होता रहा है, और वो कहीं ना कहीं वो एक वो बन गया था, वो एक तरीका ही बन गया था. लेकिन हाँ, बहुत सारी ऐसी फिल्में भी हैं जिनमें सही तरीके से आया, जैसे अभी हमारा बंदिश बैंडिट आया है, वो आपने देखी है कि नहीं देखी, देखना. वो सिर्फ गाने गाने हैं उसमें, लेकिन वो पूरा एक अभी तक एक तो OTT में वेब सीरीज में कोई गानों का आया नहीं था. तो गाने बड़े अभी उसके गाने हिट हैं, और शंकर एहसान लॉय का म्यूजिक है, और वो जो कह रहे हो ना, वो कहानी से जुड़ा हुआ है पूरा. वही होना चाहिए ना, वो पूरा कहानी से जुड़ा, ऐसा नहीं लगता कि कोई गाना ठूसा गया, ठूसा गया कि अभी ब्रेक हो गया चलो, या कहीं सिचुएशन, वो हर चीज कहानी ही वो. क्योंकि अमेरिका में तो म्यूजिकल्स ऐसा नहीं कि हमने सॉन्ग सिंगल सॉन्ग, ये टोटल बॉलीवुड इन्वेंशन नहीं है. पहली बात तो 20s से चल रहा है, राइट. वो लोग के म्यूजिकल्स बहुत सारे हैं, उसमें भी यू नो है. तो वो तो तुम्हारे तुम्हारे डिज्नी की मूवियाँ देखो, अभी कितने गाने नहीं है, लेट इट गो करती रहती हो मूवी का. हमारा ये मतलब ये थिएटर से निकला है ना फिल्म. नहीं, आई अंडरस्टैंड, हमारा यूनिक है, बट ऐसा भी नहीं कि सिर्फ हमने किया ये चीज, लाइक नहीं. लेकिन बाहर हमारे यहाँ का सॉन्ग एंड डांस मानते हैं, वो ही मानते हैं सर. उसके अलावा करो ना पहले तो, एनी टाइम यू कैन ब्रेक इनटू अ डांस. हाँ, तो मीम्स है ना, तो बहुत बढ़िया बढ़िया. एक मेक मीम था कि तुम्हारा क्या कि बाप मर गया, सपन मर गया, नीचे डांसर ही लिखा डांस का मदर फकर. इसलिए सिचुएशन खराब है, बॉलीवुड का लॉजिक क्या, डांस करो कस के डांस करो. मतलब लेकिन मतलब कहीं पे भी जाओ विदेश में, तो हमें बॉलीवुड के गाने सुनने को मिल जाते हैं ना. ये एक अभी भी है, चाहे मतलब मैं इवन मतलब पाकिस्तान में तो बहुत ही, मैं पाकिस्तान भी गया था एक बार, वहाँ पे भी वो टैक्सी वाले ने हिंदी गाने ही चल रहे हैं जी. कुछ तो इसका है, जहाँ पे नहीं है, मैं वो इसका मजा है, जो मजा तो जो है. आज तक हम और गानों ने भी तो ये प्रेमी प्रेमिकाओं का बड़ा दुखड़ा बहिष्कार किया है. मतलब दुखड़ा और मतलब कम भी किया है और बढ़ाया भी है. मेरे ख्याल से बढ़ाया है, मेरे ख्याल से बढ़ाया. देखिए गाना, आप म्यूजिक को कई बार गम में गाया भी है लोगों ने, प्यार में भी गाया है, ठीक है, लिमिट में रखो ना. देखिए सर, बात ही होती है ना, म्यूजिक अगर आप सुनो, म्यूजिक इज नॉट जस्ट लव, म्यूजिक इज नॉट एवरीथिंग. जैसे एग्जैक्टली, म्यूजिक इतनी वाइड चीज है, इतनी सुंदर चीज है, इतनी खूबसूरत, इतनी प्रेशियस आर्ट फॉर्म है. उसको जब आप घुसेड़ के यहीं रख देते हो कि मुझे बस दुख हो रहा है और मैं रो रहा हूँ, तो मुझे असल में दुख होता है कि एक बहुत बड़ी जनरेशन, अब बिलियन लोग कभी लाइफ में एक्सपीरियंस ही नहीं कर पाएंगे अनलेस उनको अमेरिकन म्यूजिक सुनना पड़े, ब्रिटिश, यूरोपियन, कि यार इतनी सारा अलग रेंडिशंस भी हैं इस आर्ट फॉर्म के. दैट हैज नथिंग टू डू विद लव, दैट विल मेक यू फील कंप्लीटली डिफरेंट, दैट विल मेक यू फील कि तुम रुको शायद और अपनी जिंदगी बारे में सोचो. क्योंकि मैं फर्मली बिलीव करता हूँ, मेरे फ्रेंड और साथ बैठा हुआ था, कि मैं फर्मली बिलीव करता हूँ म्यूजिक आपकी जिंदगी में आपको आप सोचना सिखा सकता है.
गुड म्यूजिक हैज द कैपेसिटी टू मेक यू थिंक, मेक यू एक्सपीरियंस. हो सकता है पास में कितनी चीजें जिनको तुम छोड़ के बैठे हुए थे, अभी तक एड्रेस नहीं कर रहे थे, लेकिन तुम सोचने लग जाओ यार. पांच सिंगल कहते हैं जिंदगी जब पॉज होती है, वो ताकत है म्यूजिक में. म्यूजिक में बहुत ताकत है, बहुत ज्यादा ताकत है. लेकिन सर जब गाने वाला आपको सोचने नहीं दे रहा, कहे पड़ा है कि तुम्हारा दिल टूटा था यार उस दिन, याद है. हाँ, लेकिन म्यूजिक तो प्योरली म्यूजिक होता है ना जी. उसमें लिरिक्स का कितना महत्व है, और वो कई लोग गाने धुन के लिए सुनते हैं. आपको लकी अली पसंद था? नहीं, मुझे तो नहीं था. लकी अली उसकी आप एक म्यूजिक बहुत बड़ा मैं कहूंगा एग्जांपल है हमारे टाइम में. तो मुझे लगता है वो अपने टाइम से पहले आया. हाँ, इंटरनेट एरा से वो कंप्लीटली पहले आया. तो उसका वो आज की डेट में होते तो बहुत हिट होता. वो वही था हमारे देश का वन ऑफ द यू नो फेस, जो कि क्योंकि वो म्यूजिक उसने बॉलीवुड को पहले हटाया अपने से. उसने कंप्लीट नए इंस्ट्रूमेंट्स लाए, उसने बहुत एक्सपेरिमेंटेशन किया. और उसका म्यूजिक आप सुनो जर्नी के पेपर है, यू नो कि एक जर्नी की बात कर रहा है वो, कल्चर्स की बात कर रहा है, जीने की बात कर रहा है. बॉलीवुड में भी होता है, बट वही है ना कि आप अगर ग्रेट मेजोरिटी एक चीज रख दो तो आप एक बहुत माइनॉरिटी में बनाओ उसको. लेकिन उसके बाद बहुत सारे बैंड्स आए जिन्होंने ये फिलोसफिकल चीजों पे गाना गाना शुरू किया. बिल्कुल बिल्कुल वही बात है ना आपको जी. मैं एक एक एक्टर के तौर पे और एक इंसान के तौर पे, दोनों तौर पे, बिकॉज यू मतलब डील विद साइकोलॉजी आल्सो, तो मैं ये पूछना चाह रहा था कि थॉट्स और इमोशन में क्या संबंध है? बहुत ही गहरा. एंड हाउ मतलब हाउ ऑल दिस, उसके बीच की क्या सिनर्जी है? सिनर्जी असल में क्या है, आप जो बात करो कुल मिला के वो यही है कि आप अपने आप को कितने ढंग से जानते हो. अगर आप अपने आप को बहुत ढंग से जान गए, और आपने आपको एक आपने अभी बात की थी ना रोल और कैरेक्टर की, अगर आप अपने आप को जानने के बाद, लेट्स से आप अपने आप को जानते हो एक रॉ फॉर्म में, और आपको पता चलता है मेरे अंदर गंदगी भी है, मेरे अंदर अच्छाई भी है, फिर आप एक डिसीजन लेते हो कि आप बनना क्या चाहते हो. जो हो वो तो हो, चलो ठीक है दोस्त, ठीक है. मैंने कुछ, हर इंसान ने खराब काम किए हैं अपनी लाइफ में, कोई ना किसी ना किसी को चोट पहुंचाई होगी आपने, कभी ना कभी ईगो के चक्कर में आपने, है ना, ठीक है. फिर प्रश्न आता है जब आप यहां तक पहुंचाते हो, ये पहला लेवल हुआ. लेवल टू होता है ओके नाउ आफ्टर दिस, वंस सेल्फ अवेयरनेस आपके अंदर इतनी आ गई कि आप इतना जान चुके हो, व्हाट डू यू वांट टू बी, ठीक है. तो आप एक कैरेक्टर असाइन करते हो अपने आप को. वो कैरेक्टर असाइन होता है जब आप अपनी लाइफ में रूल्स लाते हो कि जो चीजें गलत हैं अब ये मैं नहीं करना चाहता. लेट्स से एक रूल्स हो गया आपकी लाइफ की, राइट. जैसे आपको पता है क्योंकि आप अपने अंदर गए कि हाँ ये कुछ एवेन्यूज हैं, मेरे अंदर कुछ ट्रिगर्स हैं, कुछ पर्टिकुलर जगहें हैं जहाँ पे मैं अपना कंट्रोल खो देता हूँ, अपना आपरू खो देता हूँ, या फिर इन चीज़ों के चक्कर में मैं ज़्यादा ही आगे बढ़ जाता हूँ. जैसे कुछ कोई हो गया कि रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा यू नो बह जाते हैं, फिर अपना सेल्फ हार्म कर लेते हैं. तो सेल्फ हार्म लेट्स से अगर हम बात करें, आपके अंदर बहुत सारी टेंडेंसीज हैं जिनसे आप अपना खुद का बहिष्कार करते हो, सेल्फ हार्म करते हो. नहीं, मेरे कहने का मतलब ये तो मतलब वाइडर पर्सपेक्टिव में हो गया. मैं सिंपली ये पूछ रहा था कि थॉट्स जनरेट इमोशंस और इमोशन जनरेट. मैं वही आ रहा हूँ. तो जब आप ये डिसाइड करते हो ना कि मैं बनना क्या चाहता हूँ, पहली बार अपनी जिंदगी में आप ना को एक ऑब्जेक्टिव आइडेंटिटी देते हो. ऑब्जेक्टिव आइडेंटिटी देना इसलिए जरूरी है क्योंकि जब तक आप अपने आप को एक ऑब्जेक्टिवली नहीं दे सकते एज अ कैरेक्टर, तब तक उसको थॉट्स लेके चल रहे हैं या इमोशंस लेके चल रहे हैं आप कभी नहीं जान पाओगे. द सेपरेशन ऑफ थॉट्स एंड इमोशंस के लिए कि कौन किसको गाइड करता है. बट आर दे सेपरेटेड? दे कैन बी सेपरेटेड, बट वन इफ नॉट एक्सप्लोर्ड देन यू विल नेवर फाइंड आउट व्हाट इज गवर्निंग. क्योंकि एज एन एक्टर मुझे लगता है कि दे आर टू फेसेट्स, फेस ऑफ द सेम कॉइन. जी, कि थॉट और इमोशन एक ही चीज है. जी जी जी. और जनरली जो मैं पहले एम्पैथी सिंपैथी वाली बात कर रहा था ना, बहुत सारे एक्टर्स होते हैं जो इमोशन को फोरफ्रंट पे रखते हैं और वो ये सोचते हैं ये करेक्टर इस वक्त क्या महसूस कर रहा है, बिल्कुल, और उसको एक्सप्रेस करने की कोशिश करते हैं. मैं कभी ये नहीं करता जी. मैं हमेशा ये सोचता हूँ कि ये करेक्टर इस वक्त सोच क्या रहा है, और मैं जब एक्ट कर रहा हूँ तो सिर्फ ये सोच रहा होता हूँ कि वॉट दिस करेक्टर इज थिंकिंग, और इमोशन अपने आप आता है जी. उस लेवल पे मैं तो आप वही बात कर रहे हो. देखिए जो आप कर भी रहे हो कि मैनेजिंग लाइफ नहीं, मैं सिर्फ एक एक अंदर के अपने घटनाक्रम अगर हम देखें कि कई बार कोई एक कोई थॉट जनरेट होता तो है जो मैंने आपको, और उस थॉट से मेरे अंदर बहुत सारे पता नहीं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कुछ न्यूरल वाली कुछ रिएक्शन होते हैं या कुछ केमिकल रिएक्शंस होते हैं. देखिए और वो क्या मतलब इन दोनों का नाता समझना
एक उसकी क्लैरिटी मेरे ख्याल से आम जिंदगी में भी और एक्टिंग में भी बहुत काम की चीज़ है। देखिए दोनों चीज़ों में डिफरेंट हो जाती है, क्योंकि मैंने आपको कहा पहले आपको एक ऑब्जेक्टिव आइडेंटिटी देनी है। तो जैसे आप हैं, ठीक है राजेश, लेट्स से आपने अपने आप को जब एक ऑब्जेक्टिव आइडेंटिटी दी कि राजेश कौन है, आपने खुद से डिफाइन किया, मानो ना मानो आपने कैरेक्टर इन्वेंट किया है, समझ गए, ये राजेश कैसा दिखना चाहेगा मैं अब डिसाइड करूंगा थ्रू माय थॉट्स, नॉट माय फकिंग इमोशंस, बिकॉज इमोशंस का कोई, क्योंकि मैं इमोशंस को हावी करूं तो ये कैरेक्टर कुछ और कर सकता है, बिल्कुल इमोशंस जो राजेश नहीं है ना, थॉट्स नहीं चाह रहे, राइट, थॉट्स इमोशंस को कंट्रोल कर सकते हैं सर, और अगर इमोशंस थॉट्स को कंट्रोल कर रहे हैं तो फिर आप बहोगे जैसे इमोशंस बहते हैं। अगर आपका मूड किसी दिन खराब है, आप शूटिंग पे गए तो आप किसी से तमीज से बात नहीं करो, क्या पता शूटिंग ही मार्ग कराओ, आपने देखा होगा कई एक्टरों करते हुए, वहीं पे अगर एक इंसान जिसके थॉट्स कंट्रोल कर रहे हैं उसके इमोशंस को, तो वो ये कह सकता है कि मुझे पता है कॉन्शियसली कि मेरे इमोशंस पिले रहे हैं इस वक्त, तो मैं इनको हावी नहीं होने दे सकता, यहां मैं जॉब करने आया हूं, मैं अपनी जॉब करूंगा। तो थिंकिंग ने इमोशंस को कंट्रोल पे पाया, तो पूरा गेम एक्चुअली दोनों का है सर, जो आप जो कह रहे हो सेम कॉइन है सेम साइड है, बिल्कुल सही बात है, बट ये कौन सी किस पे ज्यादा हावी होती है। तो जब इमोशंस में इंसान अपना आवरूप होता है, वो हमेशा इमोशंस में होता है ना, ब्रेकअप हो गया क्या होता है, इमोशंस आपको गाइड कर रहे हैं, तो आप पागल की तरह कॉल करते रहे, फिर कॉल के बाद चार्म और खराब हो, फिर आपका दिमाग कहता है क्या बेवकूफ वाली चीज करी, तो आप थॉट और इमोशन का डिफरेंस है ना, तो आपको ये है कि आपका कंट्रोल कितना है। और आप जब कैरेक्टर की बात करो जहां पे आप कैरेक्टर प्ले कर रहे हो, वो भी एक ऑब्जेक्टिव रियलिटी है, वो भी एक ऑब्जेक्टिव कैरेक्टर है, उस कैरेक्टर के अपने ऑब्जेक्टिव्स हैं, अपनी वांट है, अपने मोटिवेशन है, उसके आपको इमोशंस फील करना जायज है, बिकॉज वो उसका रियलिटी से कोई ताल्लुक नहीं है, वो जो इमोशंस फील कर रहा है आपको पता है वो कैमरे में देखने के लिए है, ताकि जो देखने वाला है, जो ऑडियंस है, वो महसूस कर पाए। उसका आपकी जिंदगी जहां पे खत्म होता है वो शॉट, आपकी जिंदगी में वो इमोशंस नहीं आते, क्योंकि आपकी रियलिटी ही नहीं है जो उस कैरेक्टर में चल रही है। तो ये है सर, लेकिन ये गेम बहुत तगड़ा गेम है इमोशंस और थॉट्स का। हाँ मतलब वही, क्योंकि एक्टर के तौर पे और इवन मतलब मैं पोएट के तौर पे भी जी इन दोनों चीजों पे ही लिखता हूँ ना मैं, या तो अपने ख्याल लिखता हूँ या अपने एहसास लिखता हूँ, है ना, तो ख्याल और एहसास की जद्दोजहद है आपसी, वो भी लिखते हैं और दोनों में लड़ाई रहती है, और दोनों की लड़ाई है ना, जिसको एक मतलब एक क्लासिकल वे में दिल और दिमाग बोल दिया, और वो कुछ जो भी ये ज्यादातर दिल हार्ट और हेड और वो ये जो फालतू की कहानियां है ना, मतलब मुझे वो लगता है कि ये सब सिमिलीज हैं, असली में तो एक ही चीज वर्क कर रही है, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है आपने। आई डोंट थिंक हार्ट इज वर्किंग, हार्ट नहीं है बट ना, जो कहने का वो अगर कोई अगर ऑर्गन देखे है दिमाग ही तो काम कर रहा है, और दिमाग ही तो कुछ ना कुछ कह रहा होगा इधर उधर, तो एक एक्टर के तौर पर मुझे ये लगता है कि वो, इसीलिए मुझे पर्सनली एक कैरेक्टर का मेंटल फ्रेमवर्क या उसका मेंटल फैब्रिक समझने में ज्यादा इंटरेस्ट रहता है कि यार ये इसका सोच कैसी है जी, इसका पास्ट क्या था, इसका पास्ट क्या था, इसका प्रेजेंट क्या है, इसकी वॉन्ट्स क्या है, इसकी आगे की जिंदगी की आकांक्षाएं आशाएं क्या है, क्योंकि आप जितना जानोगे उतना आप डाल सकते हो ना उसमें। लेकिन इमोशन इतना ज्यादा मैं नहीं रखता फोर फ्रंट में, मुझे वो लगता है कि वो अपने आप उससे जनरेट हो जाता है, वो अपने आप वो असली एक्टिंग वही होती है सर। और मुझे भी लगता है, आई डोंट नो यू कैन रिएक्ट टू इट, कि थॉट्स ज्यादा तेज भागते हैं, इमोशन थोड़ा देर रहता है उसको तक हावी रहता है। मतलब समझ नहीं पाया, मतलब जैसे अभी बैठे बैठे है ना मेरा थॉट जल्दी भागेगा कि अभी मैं तुम्हारे साथ हूँ, अचानक मेरे को तुम्हारी किसी बात से कुछ दोस्त याद आ गया, मैं दो मिनट ऑफ हो गया, तुम्हारी बात सुनना बंद हो गया और कहीं भाग गया, फिर वापस लौट के आ गया, इतनी देर में मैं दुनिया जहान घूमाया। लेकिन जो इस वक्त मैं जो फील कर रहा हूँ ना वो मोर और लेस वही है। या सो दैट उसके लिए कोई बहुत बड़ी घटना घटनी पड़ेगी, बिल्कुल आप सही पकड़े, क्योंकि हम एक काइंड ऑफ स्टैटिक रियलिटी में अभी, उसके लिए कोई बड़ी घटना घटनी पड़ेगी। सो आपका इमोशन इस वक्त एक मोनो उसमें चल सकता है दोनों का, बट अगर अभी भूकंप आ जाए तो आपका थॉट फ्रीज हो जाएगा और इमोशंस ही होंगे जिसको फ्रीज करेंगे। हाँ, लेकिन वो रिफ्लेक्सिज्म कह सकते हैं। हाँ, जो फाइट फाइट और फ्लाइट, फाइट और फ्लाइट, और वो फाइट फ्लाइट और फ्रीज, ये इमोशन ही है ना, जो तीन ये है।
तो आप अच्छा मुझे को एक बात, हम जब फोन में बात कर रहे थे, मेरे को बता रहे थे कि बॉलीवुड के बारे में 60s में जो रोमांटिसिज्म हुआ करता था। नहीं मैं वो रोमांटिक वाला नहीं कह रहे थे कि हमारे रोमांटिक, मैं वो बात कर रहा था वो हाँ। वो खाली बॉलीवुड की बात नहीं है जी, वो आम जिंदगी में भी लोगों की थी जी, कि जब देश आजाद हुआ जी, जो मतलब हमें लगता है और बहुत से लोग इस बारे में बात भी करते हैं, ऐसा कोई वो नहीं है कि जब देश आजाद हुआ तो एक 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 परिकल्पना थी ना हमारी कि यार देश को ऐसा बनाएंगे और एक नई चीज की है और हमारा सपनों का भारत ये होगा है ना, और वो चाहे उसको वैसे बोलते हैं नेहरूवियन जो इमेज ऑफ इंडिया है जो कि हमारा भारत ऐसा है जिसको क्या कहना कि अनेकता में एकता और इस तरह की जो जितने भी ख्वाब देखे थे हमने और जय जवान जय किसान और जितने भी ख्वाब देखे थे वो मुझे लगता है कि 70s में टूटने शुरू हो गए। अच्छा, तो अगर वो 60s तक सिनेमा में भी दिखता था वो सिनेमा में और 70s में देखे टूटना शुरू हुआ है जब बच्चन साहब आए और उन्होंने एंटी एस्टेब्लिशमेंट तभी तो आया ना कि नहीं तो उससे पहले की फिल्मों में वो रोमांटिसिज्म हिंदुस्तान को लेके जिंदा है और वैल्यूज को कोई क्वेश्चन नहीं कर रहा है इतना ज्यादा, जो स्थापित मूल्य है उसी पे हम माने जा रहे हैं बढ़े जा रहे हैं, लेकिन उन वैल्यूज को तोड़ना शुरू हुआ 70s से। और आज की डेट में मुझे लगता है कि पता नहीं, मैं आज के यूथ को बहुत पसंद करता हूँ, मैं बहुत इंटरेक्ट करता हूँ, लेकिन मुझे फिर भी लगता है, जो थोड़ा दुख लगता है मुझे, कि आज के यूथ में थोड़ा सिनेसिज्म जी वो नहीं होना चाहिए। किस तौर का सिनेसिज्म? मतलब जैसे हर चीज को शक की निगाह से देखते हैं जी, तुरंत यकीन नहीं करते। वो शायद इंटरनेट की वजह से हुआ है कि किस वजह से हुआ है कि इतनी इंफॉर्मेशन उनके सामने अचानक आ गई कि वो समझ नहीं पा रहे कि हाउ टू प्रोसेस दैट इंफॉर्मेशन एंड विच इंफॉर्मेशन इज ऑथेंटिक। ये हमारे सामने इतनी बड़ी नहीं थी इंफॉर्मेशन, हमें एक छोटी सी चीज ढूंढनी पड़ती थी। जब मैं स्टूडेंट था तो मुझे कई लाइब्रेरियों की खाक छाननी पड़ती थी, जो अभी मेरा बेटा तुरंत गूगल करके देख लेता है। अब उसमें घाटा भी है क्योंकि हम लाइब्रेरी जाते थे तो कहीं ना कहीं ऑथेंटिक चीज मिलती थी, लेकिन यहाँ पे तीन कचरे वाली भी मिल सकती हैं और गलत भी मिल सकती हैं। तो इस वजह से शायद वो है, या हमारा हिंदुस्तान का सपना टूट गया या हमें समझ में नहीं आ रहा कि क्या हिंदुस्तान बनाना है। हो सकता है, तो ये कुछ मोर और लेस इस लाइंस पे मैं कुछ, क्योंकि आप बता रहे थे जैसे कि यू नो हम उस सिनेमा की बात कर रहे थे यू नो 60s और उसकी, फिर आप बता रहे थे, मैंने आपसे पूछा था कि 80s और 90s का सिनेमा हो गया तो कचरा, वो फिर एस्केपिज्म हो गया ना। अच्छा, वो पूरा एस्केपिस्ट सिनेमा था क्योंकि 70s तक क्वेश्चन किया, उसके बाद क्वेश्चनिंग खत्म कर दी है ना। तो 80s के बाद धीरे धीरे 90s तक भी बीच में बहुत बड़ा दौर है जो बड़ा एस्केपिस्ट दौर है वो, उसके बाद एक नया सिनेमा शुरू हुआ है शायद जब हमारी जो इकोनॉमी लिबरल हुई जी 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 और बाहर की चीजें आने लगी और बहुत सारी चीजें, परमिट राज खत्म होता गया धीरे धीरे, तो मुझे लगता है कि वो नया यूथ और नया थोड़ा सा एक कि यार हाँ चलो हम भी अफोर्ड कर सकते हैं, हम भी एक नई चीज, पहले कलर टीवी मंगाने में जान निकल जाती थी ना कंप्यूटर मंगाने में, क्योंकि इंडिया मिल नहीं रहा, बाहर से मंगवाना बड़ा मुश्किल काम है। तो कोई दुबई जा रहा होगा या कोई कहीं जा रहा होगा अमेरिका से तो लेके आएंगे, एक ऐसी छोटी सी चीज के लिए भी होता था, कारें भी नहीं थी, मारुति आई मुझे याद है ना जब हम लोग 90s में, तुम्हारे 70s क्या थी, मारुति थी, उसके अलावा कोई दिखती नहीं थी फिल्म, 70s और 60s फिएट दिखेगी, एम्बेसडर दिखेगी, वो सारी आदेश जो कूल हीरो होंगे जितने भी 70s से अमीर जो होते थे वो सारी इंपोर्टेड कारें उड़ाते थे, सारी इंपोर्टेड होती थी, अब हर एक के पास है। हाँ, तो वो वाला एक नया ख्वाब जगा, लेकिन अभी मुझे लगता है वो जो नया ख्वाब और नई चीजों को हथियाने का जो और उसकी मस्ती का जो आलम था ना वो भी धीरे धीरे अब खत्म हो रहा है। अभी जो सारी फिल्में अभी देखो तो वो है न्यू इंडिया इन अ स्मॉल टाउन, हाँ जैसे आपका यही हो गया मिर्ज़ापुर, सारा न्यू इंडिया, सारी फिल्में चली जो एस्पिरेशंस ऑफ न्यू इंडिया, कि एक छोटे शहर में बैठी वाली लड़की सिगरेट पीना चाहती है
है ना, और वो इस चीज मतलब सिगरेट पीना एक सिंबॉलिक चीज है ना, एक एम्पावरिंग का सिंबल है वो ना, लेकिन छोटे शहर के लड़के लड़कियां और उनका है, क्योंकि उनको चाहे वहां शॉपिंग मॉल ना हो इतने, लेकिन उनके पास फिंगर टिप पे सारी चीज है, दुनिया देख रहे हैं। तो अभी के वो फिल्मों में वो नहीं है, ज्यादातर वही है ना। ये बात आप सही कह रहे हो, आजकल जितनी स्टोरी जैसे आपकी वही आपने बर्फी वाली जो मूवी थी वो भी स्मॉल बरेली की बर्फी जो भी थी, हाँ। स्मॉल टाउन न्यू इंडिया, ये बात सही कह रहे हो, न्यू एक छोटे शहर का व्यक्ति नए वो ख्वाब क्यों देख रहा है। अब महानगर नहीं, कि हर कोई महानगर नहीं उठा रहा, पहले हर कहानी महानगर में उठ के चले आते थे ना, अगर छोटे शहर का हीरो है भी तो वो महानगर में आके कुछ कर रहा है, वो छोटे शहर में हीरो नहीं बन रहा, उसको महानगर आना पड़ेगा जी। बॉम्बे ही ज्यादातर, कभी कभार दिल्ली भी, बट ज्यादातर बॉम्बे ही गया है हर कोई हीरो बनने के लिए कहानियों में भी, लेकिन अब वो वहीं रहते हुए भी हीरो है, चाहे वो एक मिठाई की दुकान चला रहा हो, चाहे वो दर्जी हो, जैसे तनु वर्ड्स मनु भी हो गई लोकल स्टोरीज लोकल कैरेक्टर्स, तो इस तरह से थोड़ा बहुत बदलाव ऐसे दिखाई देता है ना, वो मेरे ख्याल से यूथ की एस्पिरेशंस, यूथ बहुत ज्यादा है जो सिनेमा को गाइड करता है, बिल्कुल, और कोई लोग नहीं करते मेरे ख्याल से। तो तभी तो OTT जैसे Amazon और Netflix क्यों चल रहे हैं, यूथ की वजह से तो चल रहे हैं, और ये सब स्टोरीज जो आप आ रही हैं ये चल क्यों रही हैं, क्योंकि इन पे कौन देख रहा है, यूथ ही तो देख रहा है। आप अगर अभी टीवी पे आप जो बात करते हैं टीवी शो, द रीजन वाई कि आज टीवी वही है जो 2000 में था, वो सेम ही है आज भी, हो सकता है उससे भी बदतर हो गया, वैसा ही है। एक तो अंधविश्वास फैला रहे हैं, एक इतनी रिग्रेसिव चीजें हैं उसमें पूरी, जो पता नहीं किस वैल्यूज पे रखना चाहते हैं, और चाहे वो घर की बहू नींद से उठ के आई है तो भी सारी सजी सवरी है और है ना, चीज़ लेकिन वो अभी तक है यार, क्यों मतलब समझ में नहीं आता। नहीं तभी तो टीवी वैसे ही रहेगा ना, क्योंकि उन्हें पता है ये यूथ नहीं देख रहा ना, मतलब कुछ शोज बीच में इक्का दुक्का आ जाते हैं जो थोड़ा सा पाथ ब्रेकिंग होते हैं टीवी में भी, लेकिन ज्यादातर तो वैसे ही है, ज्यादातर डेली शो वैसे ही है। डेली शो वही ना, जब से केबल आया ना, लाइक मेरे मुझे लगता है डेली शोज क्या है कि जो हमारे अंदर जो एक जो हमारे अंदर बिचिंग की अर्ज है ना जी, उसको उसको दाना पानी देती है, बट वो भी हमारे आई डोंट थिंक वो मेन को टारगेट कर रहे हैं, मेन को टारगेट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उनकी ऑडियंस तो औरतें हैं घर में बैठते हैं, मेन देख रहा है न्यूज़, हाँ। वो अपनी बिचिंग की अर्ज वो डिबेट से पूरी कर रहा है, जिसमें चार लोग अपने का चीखे पड़े हैं वो वहां पे खुश है, वहां पे खुश है, या कोई औरतें तुम्हारा वो उनको दिखा रहे हैं भैया घर, और घर है और आपस की लड़ाई है ना, कि वो ही ना कि तो वो रसोड़े में कौन था फिर राशि बहन थी भाई, तो उसने चढ़ा दिया कुकर में चना निकाल के, और कितनी बड़ी बात है देखो, ड्रामेटिक पॉइंट सोचो उस बात का, कि कुकर उस समय रसोई में तू थी, कौन थी, मैं था, कौन था भाई, मतलब इट्स लाइक ए ड्रामेटिक पॉइंट ऑफ एनी प्लॉट जो मतलब शायद बहुत से लोग अभी भी उसी हिस्से में जी रहे हैं, जी रहे हैं सर, क्योंकि टीवी उनके लिए बहुत बड़ी बात है, दिन भर का विषय है एक छोटी सी बात, एक और चीज आप ये सोचो ना, वो टारगेट इशू कर रहे हैं टीयर 2 टीयर 3 सिटीज को, जो न्यूज भी बनाई जाती है ना, अगर आप ढंग से देखो ये दिल्ली मुंबई वालों के लिए नहीं बना रहे न्यूज, टीयर 1 के लिए नहीं बना रहे, उन्हें पता है ये साला बैठ के टीवी नहीं देख रहा, ये नेटफ्लिक्स पे बैठा है, ये इंटरनेट पे बैठा है, और ये क्रिटिसाइज करेगा जो भी कोई नई चीज हो रही होती है, कोई भी ब्रेकिंग जो न्यूज है, मैं यहाँ पे बात करूँ जैसे कि अरे नया बजट आने वाला है, आप एक बार उसको बस देखना जिस तरह से प्रस्तुत करेंगे, ये क्या, ये आप मैं जो भी इंसान जो एक फॉर्मेट से यूज्ड है, थोड़ा सा यू नो चाहता है कि एक एजुकेटेड वे में हमें बस रिपोर्टिंग मिले, एक रीजन है ऑनलाइन ऑल्टरनेटिव इतने ज्यादा रिपोर्टिंग वाले लोग अब इतने फेमस हो गए ऑल ऑफ अ सडन, क्योंकि ऑनलाइन आदमी जो कर रहा है रिपोर्ट वो पता है क्या कर रहा है, आपको फैक्ट्स लाके देता है बिना ड्रामा के, ये है, ये हुआ, ये है मेरा ओपिनियन, और उसका चैनल इतना भयंकर लेवल पे चल रहा है, उसको इतना फेम मिल रहा है, तो ऑनलाइन पे जो लड़के हो गए जैसे रिपोर्टर जो गए, अपना यूथ जो कर रहा है, तो यूथ वहां पे वहीं से ले लेता है, वो टीवी देख रहा है कॉमेडी के लिए, क्योंकि वहां पे भाई अगर हमारी फाइनेंस मिनिस्टर आ रही तो उनके पीछे वो चल रहा है ना,
हेलो लगा दिया उन्होंने, चार हाथ लगा दिए, न्यूज थोड़ी है सर, ये तो रियलिटी टीवी भी नहीं बल्कि दिस इज, वो तो बहुत ही ज्यादा गन टीवी न्यूज तो, और कई न्यूज चैनल तो ऐसे हैं जो बिल्कुल तौबा तौबा, वही ना, तो आपको टीवी है ये सर, आपको ऐसे देखना है, न्यूज इज नॉट वेरी डिफरेंट फ्रॉम टीवी सोप ओपरा, वही है, वो साउंड ट्रैक भी यूज कर रहे हैं, वो कट भी वैसे यूज कर रहे हैं, अगेन मैं वही कह रहा हूँ, देखो यहाँ अच्छे फिल्म मेकर्स फिक्शन का काम करते हुए भी ऑडियंस को मैन्युपुलेट जितना कम कर सकता है करने की कोशिश कर रहे हैं, और ये फैक्चुअल चीजों में मैन्युपुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं, सोचिए मतलब फैक्चुअल चीज में तो कुछ भी मैन्युपुलेट करने की जरूरत नहीं है भाई, ब्लैक बोर्ड में लिख के लगा दो तो भी वही न्यूज मिलेगी, तो वही है ना सर, ये न्यूज नहीं है, दिस इज नॉट न्यूज यू आर वॉचिंग, यू आर नॉट इवन वॉचिंग फैक्ट्स हियर, बिकॉज ये आपको पूरे फैक्ट्स में देने वाले, क्योंकि जो इंसान इस गति से इतना हद तक गिर चुका है वो ये कॉम्प्रोमाइज एक उसने कर लिया बहुत पहले कि मैं यहाँ क्या करने बैठा हूँ, क्योंकि ये ऐसी चीज़ नहीं कि आज मैं बैठा हूँ और आज का ये शो है, आओ इसको कितने हम अम्यूजिंग वे में दिखा सकते हैं, नहीं सर, ये उनको पता है कि हमें यही करने बैठे हैं, हमें यहाँ सच दिखाना ही नहीं है, हम यहाँ बैठे ही आपको बनाने के लिए, तो हम आपको फैक्ट्स नहीं देने वाले, रियलिटी नहीं देंगे, हम आपको एक प्रोपेगेंडा देंगे, उस प्रोपेगेंडा को हम सुंदर बनाएंगे, पता नहीं मुझे तो सुंदर भी नहीं लगता वो, आपके लिए नहीं है ना वो, लेकिन लोगों को हो सकता है लगता हो, क्योंकि वही है ना कि आप मतलब सोप ओपेरा वाला थीम दे रहा, मतलब क्या है, सोप ओपेरा ही है वो, सोप ओपेरा पूरा पूरा सोप ओपेरा है वो, डिबेट से सोप ओपेरा ही होती है ना, वही तो हो रहा है, सास बहू है जो लड़ाई ऐसी करी चल रही है, क्या नट चल रहा है क्या, मतलब बहुत ही एक बिल्कुल गंदा सा जादूगर का शो नहीं होता कोई जिसमें बिल्कुल चमकीले पर्दे और वैसा सा कुछ लगता है, न्यूज़ देख रहा हूँ, व्हाई आर यू मैनिपुलेटिंग, ट्राइंग टू मैनिपुलेटिंग, अल्टरनेट इसलिए हो गया ना, जो इतने मीडियम्स हैं बहुत तगड़े से उठ रहे हैं, बिकॉज जो जनता है यूथ की आप जो बात कर रहे हैं, यूथ ड्राइव करता है, वही है वो, कितने इनमें से इनको यूथ टेलीविजन को नहीं कर रहा है, यूथ नहीं कर रहा है, टेलीविजन यूथ को टारगेट भी नहीं कर रहा, वही तो इसलिए तो फिल्म कर रही हैं और ओटीटी तो डेफिनेटली कर रहा है, और मेरे ख्याल से सोशल मीडिया सारा, हाँ, I don't think mainstream Bollywood भी कर रहा है, I don't think so, जैसे अभी सड़क मूवी आई है, ये एक्चुअली 90s की मूवी, जब मैं ट्रेलर देखा मैंने इस मूवी का, क्योंकि मैं तो ओपन माइंड से ना, आप देखिए हो सकता है बड़े मूवी बनाती हो सड़क, मैंने ट्रेलर देखा, मैंने कि 90 की पिक्चर थी ये पूरा प्लॉट, सिर्फ ट्रेलर देख के मेरे दिमाग में जो आई 90s की मूवी तो है भाई, इसमें क्या नया था, अब उसका सीक्वल है जो सड़क आई थी, ना ना सीक्वल की बात कर रहा हूं मैं, सड़क 2, हां हां मैंने भी देखा, जो कि 2020 की मूवी है, जो है अभी 90 की से जैसा लगता दशक से निकाल के बना दिया आपने, तो ये नहीं चलने वाला, मुझे पता है 2 करोड़ की मूवी ही होगी, हाँ भले वो ट्रोल कई और वजह से हो गई, वो तो नेपोटिज्म और वाला इशू है, लेकिन वो फिल्म वैसे ही अच्छी थी, वैसे भी वो एक बात, वो रिव्यूज भी बोल रहे हैं कि बर्बाद मूवी, हाँ बेकार, रिव्यूज भी बोल रहे हैं कि अच्छी फिल्म नहीं है, चाहे लोगों ने उसको डिसलाइक, मेरे ख्याल से यूट्यूब पर मोस्ट डिसलाइक्ड वीडियो ऑफ इंडिया है वो, जहां तक मेरा ख्याल है, बट वो है तो बॉलीवुड भी आई डोंट थिंक अभी भी यूथ को टारगेट कर रहा है, बॉलीवुड आई थिंक टू अ वेरी ग्रेट डिग्री, वो ही पुराना तुम्हारा जो रोमांटिसिज्म है, रोमांटिसिज्म से मेरा रोमांटिक प्यार की बात नहीं कर रहा, रोमांटिसिज्म ऑफ द ऑरा ऑफ एनीथिंग, या वही तुम्हारा उनका जो थंब रूल है ना कि एक मूवी कंप्लीट ओवर सिंप्लीफिकेशन, कैरेक्टर्स में कभी कोई नुआंस नहीं होने वाला, ब्लैक एंड व्हाइट कैरेक्टर होंगे, हीरो होगा विलन होगा तो विलन, जैसा आप बोल रहे थे वो विलन ही होगा, बैड गाय होगा कंप्लीटली, अच्छा गाय अच्छा होगा, उसका दोस्त हमेशा बस मोनो एक ही लाइन होंगी उसको सपोर्ट करने के लिए, और ऑब्वियसली उसका दोस्त का दूसरा रोल क्या है, खराब सिचुएशन में फंसने का, जिसकी वजह से वो बुलाए अपने दोस्त को, हाँ, ताकि हीरो हीरो बन पाए, हाँ उसको बचाए, तो ये चीज है, और अब थोड़ा सा उन्होंने फेमिनिज्म के चक्कर में बदल दिया, अब लड़की दो चार गालियां बक लेती है क्योंकि वो स्ट्रांग है, नहीं मतलब धीरे धीरे देखो ये कई चीजें ऐसी होती हैं, मुझे यूँ लगता है कि कुछ कुछ चीजें धीरे धीरे करके घुसती हैं, क्योंकि मार्केट है ना ये, वही मैं कह रहा हूँ ना सर, क्योंकि बिजनेस है तो उसमें धीरे धीरे वैल्यूज आती रहती है, ये वैल्यूज नहीं है, मतलब न्यू वैल्यूज, या क्योंकि मैं जो जो बदल रही है, हैप्पी विद बॉलीवुड इज कि द डे जो भी फीमेल कैरेक्टर है, चलो गाली बकती है ठीक है, मुझे थोड़ा सा बिलीव दिलाओ कि एक इंसान है, ये सिर्फ हीरो के लिए नहीं बनी भाई, इसका कोई एक्स बॉयफ्रेंड तो होगा ना ये इसकी कोई एम्बिशन तो होगी ना जिंदगी की, कभी भी उसकी तमन्ना नहीं होगी यार मैं सोच रही हूँ यूएस पढ़ने की, कुछ तो ऐसा बोले जिससे मुझे लगे हाँ ये एक इंसान है, मतलब वो सिंगल बैठी थी ताकि फिल्म में बिगिनिंग में हीरो से मिल पाए, वो सिंगल ही बैठी थी और लोगों की रोड में मदद कर रही थी फॉर सम रीजन,
वो अच्छी है, वो स्माइली करती रहती है, उसको कोई इश्यूज नहीं, ना एंजाइटी इश्यूज हैं उसके साथ, ना कभी इसको स्ट्रेस हुआ अपनी लाइफ में, उसके जीरो रिंकल्स हैं, परफेक्ट हेयर हैं, कुछ नहीं, सब कुछ परफेक्ट है, है। मैं ये बात कह रहा हूँ यार, इंसान दिखाना हाँ, थोड़ी सी बदली है हीरोइन है हाँ। अभी कहीं कहीं कुछ कुछ फिल्मों में, लेकिन हाँ मोर और लेस उसी दुनिया में हीरो फिर भी ज्यादा बदला है कंपैरिजन रेशियो अगर आप कह रहे हो ना कि बुलशिट और रियलिटी वाला जो रेशियो अगर होगा तो हाँ वो थोड़ा सा अब बड़ा हुआ है रियलिटी का और हीरो का ज्यादा हुआ वही कंपेयर ऑफ कोर्स हीरोइन से तो वो भी एक अलग दुख की बात है। हालांकि कुछ कुछ ऐसी परफॉर्मेंसेज आई जिसमें हीरोइन ने भी थोड़ा सा चैलेंज किया अपने पुराने स्टीरियोटाइप को, जैसे अभी विद्या बालन की मूवी थी मैथमेटिशियन जो है हाँ, लेकिन वो तो चलो रियल लाइफ की हुई, लेकिन फिक्शनल कैरेक्टर पे बात अगर हम तो मैं कहूंगा कि यहाँ पे वही है तो वो शायद कंगना रनौत की इनिशियल फिल्म्स जो है तनु वेड्स मनु टाइप है ना उनमें क्वीन क्वीन लेकिन ऐसे और काम की जरूरत ऐसे ही होना चाहिए और ये मतलब अगर जो ये ब्रेकअप वाली बात बोली है लव ट्रायंगल वाली पे तो बहुत सारा वो किया है फिल्मों ने काम जी लव ट्रायंगल एक ही दो को प्यार करते हैं या दो एक को प्यार करता है जो भी जी। लेकिन ये वाला नहीं है कि यार एक नॉर्मल इंसान है जिसका ब्रेकअप भी हुआ है और फिर दोबारा हो गया और फिर दोबारा हो गया मैं कई बार मैं ये सोचता हूँ मेरा एक बार मन भी था प्ले करने का कि रोमियो जूलियट की शादी हो जाती है और अब उनमें झगड़े होते हैं जी। जितने भी महान प्रेमी प्रेमिका है ना चाहे रोमियो जूलियट हीर राजा मजनू लैला मजनू शीरी फरहाद ये सब लोग कभी नहीं मिले ये कंपैटिबिलिटी टेस्ट ही नहीं हुआ मिले नहीं। अगर ये इनके मिले होते तो हो सकता है आधे का तलाक हो गया होता सही बात है और क्या लेकिन ये मिले ही नहीं तो महान इसलिए है जितने भी हमारी ग्रेट लव स्टोरी और फिल्म्स आल्सो ना चाहे एक दूसरे के लिए या बहुत सारी उसमें भी प्रेमी प्रेमिका मिले नहीं है आखिर में मारे गए अच्छा तो कंपैटिबिलिटी टेस्ट सच में नहीं हुआ उनका तो वो जब तक नहीं मिले तब तक दूर दूर का प्यार एकदम परफेक्ट है क्योंकि दोनों का इमेजिनरी है बिल्कुल और क्या अरे वही है सर ये चीजें मेरे ख्याल से मेरे को जो लगता है भैया कि यू नो बॉलीवुड जो एक वो है ना ये मेरा व्यू है टोटली कि बॉलीवुड जो एक इंडस्ट्री जैसे हम देखते हैं जिसमें अगर मैं कल चाहूँ कि मैं एक स्क्रिप्ट लिख लूँ बहुत ही गजब और मेरे पास कुछ एवेन्यूज हों जिनके थ्रू मैं आराम से अगर रिजेक्शन मिल रहा है तो मुझे वो रिजेक्शन मिला जिसमें मैं संतुष्ट हूँ कि एटलीस्ट एक सोर्स तक गई उसने पढ़ी होगी और उसने इस क्वालिटी ना होने की वजह से उसको रिजेक्ट किया समझ गए ना स्क्रिप्ट या फिर एक्टिंग के साथ भी मैं सेम चीज कहूंगा कि इंसान की आप लैक ऑफ लेट्स से आपको जो भी चाहिए था उसकी वजह से आपने रिजेक्ट किया हो जब तक वो चीज़ नहीं आएगी जहाँ पे इंसान वर्दी है मेरिटोक्रेसी जैसे कहते हैं मेरिट के बेस पे तब तक सर ये टट्टी इंडस्ट्री रहेगी मेरे लिए ऐसा मैं ऐसा नहीं बोलता लेकिन हाँ मुझे ये लगता है क्योंकि बिकॉज मैं ये नहीं कह रहा कि बहुत सारी गलत चीज़ें नहीं होती हैं बहुत सारी गलत इमेजेस और प्रोजेक्ट नहीं हो जाती हैं कहानियों के थ्रू बहुत नुकसानदेह भी होती हैं बहुत सारी बिल्कुल मानता हूँ लेकिन ये आफ्टर ऑल क्या है कि ये कॉम्बिनेशन है आर्ट और कमर्स तो वो दोनों की लड़ाई चलती रहेगी हमेशा ये भी दिल और दिमाग की लड़ाई जैसा वो सेम चीज तो हॉलीवुड में भी है ना लेकिन हॉलीवुड में भी जरूरी नहीं है कि सारी चीजें अच्छी है ना हॉलीवुड का कमर्शियल नहीं है कमर्शियलिज्म हॉलीवुड तो ट्रू कमर्शियल सिनेमा कर रहा तो है। और वो कोई सही वैल्यूज देता है ऐसा नहीं है नहीं मैं वैल्यूज की बात नहीं कर रहा मैं यहाँ पे मैं यहाँ पे अपॉर्चुनिटी की बात कर रहा हूँ जो अच्छा लिख सकता है अच्छा उस सेंस में हाँ उस सेंस में जब तक आप दरवाजे नहीं खोलोगे मेरिट के बेस पे मैं कह रहा हूँ कमर्शलाइजेशन भी बहुत बढ़िया हो सकता है देखने लायक हमें क्यों वेट करना पड़ रहा है चुपके चुपके की बात पे ही आज की हर साल की दो दो तीन तीन चुपके चुपके क्यों नहीं है या हर पांच साल की तीन चुपके चुपके टाइप मूवी क्यों नहीं है जिसको आप कहो कि हाँ यार अपने नहीं उसके लिए आपको खोलना पड़ेगा गेटवे टू अ लॉट ऑफ डिफरेंट यूनिक माइंड्स देखो उसमें है जो ये जहाँ तक ये नेपोटिज्म की बहस चल रही है वो अपनी जगह है जी लेकिन इंडस्ट्री में बहुत सारे लोगों को
जो काम कर रहे हैं, जो असली इंडस्ट्री है ना जी जी जी, उसके 99% लोगों को तो दुनिया जानती ही नहीं है। आई एग्री। जो सच में फिल्म बनाते हैं, जो नहीं हो तो फिल्म नहीं बन सकती। और वो ज्यादातर आम लोग हैं ना। आई एग्री। वो आम लोग हैं जिनका कहीं से कोई जो बना लेना देना नहीं है फिल्म, जो बना जो वो सिर्फ ऊपर का 1% है क्रीम। पर चॉइस होने की होती है ना, कौन सी फिल्म बनेगी कौन सी नहीं बनेगी। तो वो है, लेकिन फिर भी अब अगर है कि कुछ लोग के हाथ में ही है और लेट्स से उनका वही है कि उनको वही सेम भंडारा मूवी ही बनानी है, सेम जैसे उनकी लास्ट मूवी थी वैसे ही एक और वही फॉर्मूला चिपकाओ और दो वैसी मूवी लाओ, तो वही लाते रहेंगे। बीच बीच में क्या होता है ना कि कोई एक होता है जिसको जो थोड़ी हिम्मत करता है कुछ नया करने की, उसको बैकअप भी मिल जाता है कहीं ना कहीं से कोई पागल बने में, चाहे चाहे सच में कोई बिलीव करता है, और वो फिर एक नई धारा छेड़ देता है और फिर लोग फिर वो फॉर्मूला बन जाता है, फिर सब लोग वैसा बनाने के लिए लगे रहेंगे। तो बहुत सारे इनसिक्योर हैं जो लोग, मेरे को लगता है कि क्रिएटिविटी को लेकर इतने इनसिक्योर नहीं है जितने पैसे को लेकर इनसिक्योर है। वो भी समझते हैं, ऐसा नहीं है कि वो समझते नहीं, समझते सब होंगे, सब ऐसे थोड़ी कोई 15 साल के बच्चे हैं। they have watched every kind of cinema, world cinema, पूरा हिस्ट्री देखा है, लेकिन वो उनको लगता है इनसिक्योर अबाउट देयर मनी, कि ये लगता है कि यार नहीं है सेफ रहना है। तो उस चक्कर में ये मेरे ख्याल से हो जाता है, लेकिन फिर भी कुछ कुछ नए लोग आते हैं, कुछ कुछ करते हैं वो। होपफुली आप बताओ कविताओं के बारे में। यार कविताएं मैं तो वही अब प्यार मोहब्बत में लिखना शुरू किया था मैं, कोई कितने साल हो गए, मैंने 17 साल की उम्र में पहली कविता लिखी थी, वही प्यार मोहब्बत वाली। एक दिन एक लड़की ने देख के मुस्कुरा दिया था और दूसरे दिन नहीं मुस्कुराई, बस इतनी सी बात थी। इस पे पहली कविता लिखी थी, तब से कविताएं लिखे जा रहा हूँ जी। और मैं कविता हमेशा ऐसे लिखता था कि मुझे लगता था कि ये दिस इज द ओनली आर्ट फॉर्म जो मैं निस्वार्थ करता हूँ जी, जिसको मैंने कहीं छपने के लिए नहीं भेजी, कहीं कुछ नहीं किया, बट लिखता गया। और फिर मुझे लगा कि यार क्या करें, तो मैंने एक अपना YouTube चैनल खोला थिएटर टॉकीज, उसमें मैंने उन कविताओं को डालना, एक प्रोग्राम बनाया चांद पे चाय, और उस पर वो कविताएं मैं पढ़ता हूँ। फिर मैंने सोचा कि मैं ही क्या पढ़ूँ, तो और कुछ यंग पोइट्स को बुलाया मैंने, तो अभी 10-11 एपिसोड डाल चुका हूँ, उसमें तीन मेरे हैं मेरे ख्याल से, तीन ही मेरे होंगे, और बाकी और पोइट्स को बुलाया, तो वो कविताएं हैं। और अभी कविताओं का मेरा एक कलेक्शन बन गया है, तो एक किताब भी किताब आ जाएगी, जल्दी आ जाएगी, तो वाणी प्रकाशन से वो किताब आ जाएगी। अभी मतलब उस पर डिजाइनिंग वगैरह में काम चल रहा है, तो ये है। अच्छा एक बात बताओ अपने आपको, आप अगर आकर आपको एक ट्रूली अगर आपको देना हो एक आइडेंटिटी जिससे आप रिलेट करते हो, आप राइटर की तरह करोगे, एक एक्टर की तरह करोगे, किसमें? मैंने जो अपना फेसबुक या एक दो जगह सोशल मीडिया में अपना जो अपने बारे में एक लाइन लिखते हैं, वो मैंने लिखा हुआ है, एन एक्टर हु वांट्स टू बी नोन एज अ पोएट, कि मैं एक एक्टर हूँ जो कवि के रूप में जाना चाहता जी। तो मेरे ख्याल से यही है, अब ये रोमांटिसिज्म सीधा सीधा क्योंकि मैं सोचता एक्टर की तरह से हूँ जी, लेकिन राइटिंग का मेरे अंदर वो शायद क्यों आया मतलब, तो कुछ तो परिवार की वजह से, और कुछ ये कि मैंने 10 साल की उम्र से 25 साल की उम्र तक रोजाना डायरी ली जी जी, उसने मेरे को बहुत सॉर्ट आउट भी किया विचारों में भी, और उसने मुझे अपने विचारों को और अपनी भावनाओं को एक्सप्रेस करने का भी एक कुछ दिया। तो मैंने जो बिल्कुल जो क्या कहते हैं ना, जो जिसमें सच में आप बन रहे होते हो एक इंसान, वो 15 से 25 साल तक मैंने 10 साल डायरी लिखी। अब ऐसा नहीं है कि रोज उसमें कोई बहुत गूढ़ बात लिखता था, कभी खाली ये लिखता था आज 3 रुपये खर्च किए, ये किए और ये पिक्चर देखी बस, ऐसा भी था, लेकिन कभी कोई गहरी बात भी लिखता था। तो उसने शायद ये राइटिंग की तरफ लाया, फिर थिएटर की वजह से लिखना, गाना प्ले के लिए या प्लेज लिखना, और कुछ फिर फिल्में और सीरियल्स को लिखना। तो आपसे कभी किसी ने ये पूछा है कि अगर आपको एडवाइस देनी हो जो यंग एक्टर्स हैं या राइटर हो गए? देखिए मेरे ये एडवाइस के नाम पे यही है, अक्सर मैं तो टीचर भी रहा हूँ तो बहुत सारा ये एडवाइस अक्सर देता रहा हूँ और कई कई जगह देता रहा हूँ, पूछते भी रहते लोग,
तो वो यही है कि यार मुझे यह लगता है कि एक एक्टिंग के जो सबसे बड़े जो महान माने जाते हैं मेथड एक्टिंग जिनसे निकली स्टैनिस्लावस्की, जी उन्होंने कहा था कि लव द आर्ट इन योर सेल्फ नॉट योर सेल्फ इन द आर्ट। ओके तो आप अपने अंदर की आर्ट को प्यार करना शुरू करो, आप वो कहाँ पे है नहीं। मुझे लगता है कि आप लोग क्या है कि और एक हमारे गुरु थे जो कहते थे कि सिद्धि के पीछे भागो प्रसिद्धि के पीछे मत भागो, अगर सिद्धि के पीछे भागोगे प्रसिद्धि अपने आप मिल जाएगी। लोग प्रसिद्धि के पीछे भागते हैं। मुझे लगता है कि आप अगर अपना काम अच्छे से करते हो ना और उससे प्यार करते हो तो वो पहुंचता है यार, पहुंचता है, पहुंचेगा रोक भी। नहीं सकता कोई, देर सवेर पहुंचेगा, थोड़ा कम डिजर्व जितना डिजर्व करते हो उससे थोड़ा कम मिलेगा ये भी हो सकता है, लेकिन नहीं मिलेगा ऐसा नहीं हो सकता। मतलब मैं खुद एक एग्जांपल, मैं एक छोटे से शहर का आने वाला, छोटे से शहर से बीकानेर से निकला हूँ है ना, जहाँ पे फिल्में के पोस्टर देख के हम खुश हो जाते थे है ना। मैंने थोड़ी सोचा था कि यार मैं चला जाऊँगा बॉम्बे, जिनको देखता आया हूँ अमिताभ बच्चन साहब के साथ भी काम कर लूंगा, जो हॉलीवुड की फिल्मों में देखता आया हूँ कि मैं जूडी डेंच के साथ भी काम कर लूंगा, रिचर्ड गेयर के साथ भी काम कर लूंगा, ऐसा मैंने तो कभी नहीं सोचा था। तो वो क्या सोचा था, मैंने को एक्टिंग अच्छी लगती थी, एक्टिंग करना शुरू कर दिया और उस पे काम करता रहा कि यार एक्टिंग सीखनी है, क्योंकि मेरे को कॉन्फिडेंस नहीं था तब, क्योंकि मेरे मेरा बैकिंग ऐसी नहीं थी कि मैं चौड़ा होके खड़ा हो पाऊँ, तो मुझे चौड़ा होने के लिए अंदर कुछ भरने की जरूरत थी। तो मुझे लगता है कि वो चौड़ा होके खड़ा होने के लिए अंदर भरना जरूरी है, जो लोग थोड़ा सा भागते हैं उससे। एक्टिंग सीखने भी आते हैं ना तो एक्टिंग खरीदने आते हैं, समझ गया मैं। हाँ समझ गया। एक्टिंग सीखने नहीं आते। और ये मतलब स्टूडेंट्स में भी बहुत सारी प्रॉब्लम है और इंस्टीट्यूट्स में भी है, क्योंकि वो एक्टिंग सिखा नहीं रहे, एक्टिंग बेच रहे हैं, ऐसे बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं। लेकिन जिसको सीखना है ना उसको मिल जाता है गुरु, या कोई ना कोई राह मिल जाती है। किसी को ज्यादा टाइम लगता है, किसी को कम टाइम लगता है, लेकिन अगर आपके अंदर सीरियसली सीखने की है, अगर आप एक्टिंग से प्यार करते हो तो आप कहीं पे भी करोगे है मैं भी यही सोच रहा था। ना। एक चार लोगों को भी दिखा के आप खुश हो जाओगे, और 50 लोगों को दिखा रहे हो, या बड़ी फिल्म में कर रहे हो, छोटी फिल्म में कर रहे हो, एक शॉर्ट फिल्म में कर रहे हो, तो भी आप उतनी ही जील के साथ करोगे ना। और आज हमारे वक्त तो ये था ही नहीं, आज की डेट में तो यार मोबाइल से बना के यूट्यूब पे डाल के आप पहुंच भी सकते हो लोगों तक, आज तो इतना बड़ा आपके पास है, हम तो किसी के तक पहुंच भी नहीं सकते थे। कैमरा तो बहुत बड़ी चीज थी यार, अभी तो आपके हाथ में है जो अच्छी क्वालिटी देता है, बिल्कुल आप बना सकते हो और डाल सकते हो जो हजारों तक पहुंच सकता है, और मतलब यू आर वन ऑफ द प्राइम एग्जाम्पल्स है ना, जिसने बिल्कुल, आप क्या था, आपका आपका एक मन था, एक जो लगता था उसमें आपने काम किया और पहुंच गए यार है ना। तो वैसे एक्टिंग में भी आपको वैसे पहुंचा हर कैसे? चीज में कोई भी कला ले लो सब पे अप्लाई होता है जो आप कह रहे हो। तो वो आप इसको खत्म करते हैं, बताइए आपका एंड में जो भी आप प्रमोट अगर कुछ करना चाहते हो कुछ नहीं, है। मैं तो यही कहना चाहता हूँ यार कि ये अपना मेरा YouTube चैनल को देखो, और थिएटर टॉकीज नाम है उसका, और यार उसमें आओ, कुछ कुछ शॉर्ट फिल्म्स बनाई हैं और कुछ दो दो शोज हैं, जो एक चांद पे चाय कविताओं पे है जी। और एक स्टोरी नरेशन का अनूप सोनी जी। करते हैं, वो सुनी अनसुनी स्टोरीज विद अनूप सोनी, तो सपोर्ट करो यार। वो उतनी शेयर लिंक डला है मिल जाएगा। चलिए खत्म करें इसमें, पर आपको कुछ बताना है नहीं और कुछ कुछ नहीं, बचा आपके अंदर? नहीं मेरे अंदर तो बहुत कुछ बचा है यार, क्या बात कर रहे हो। लेकिन अभी थोड़ी खाली हुई है, नहीं, लेकिन मुझे लगता है तुम्हारे अंदर बहुत बचा है और तुम्हारे से बहुत लोगों को बहुत अभी फायदा होना बचा है, सही जो कह रहे तुम्हारी हो। बुक से भी है ना, और एक काम बचा है उस बुक में साइन करना थोड़ा। जरूर जरूर जरूर। चलिए फिर हम लोग निकलते हैं दोस्त। नमस्ते। नमस्ते। जय हिंद। चलो यार।